गुड आफ्टरनून टू एवरीवन. सॉरी फॉर दैट कि आज आप लोग का जो एप्लीकेशन था वो वर्किंग नहीं कर रहा था, इसलिए हम लोग ने टाइम से मतलब डिस टाइम हुए हैं, दूसरे टाइम पे हम लोग क्लास ले रहे हैं. बट स्टिल हमने कहा और सर का भी ये था कि नहीं भाई क्लास तो होना ही चाहिए, फिर हम लोग लगे रहे. दिल्ली की पूरी टीम इसको कर रही थी और क्या क्या कि अभी जाकर के सारा चीज सेटअप हुआ है, फिर हम लाइव आए. मैंने कहा क्लास तो नहीं छोड़ेंगे एट एनी कंडीशन, चाहे जो हो जाए, क्योंकि हम लोगों ने टारगेट किया है. तो कंटिन्यूटी जो है ना, डिसिप्लिन जो लोग नहीं फॉलो करते हैं वो लोग अपने जीवन में जल्दी सफल नहीं होते हैं. चाहे आप कितने भी विद्वान है, कितने भी सफल है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल डिसिप्लिन होता है. और हम लोग मिशन मोड में है प्यारे भाई. मिशन मोड का मतलब होता है कि विद इन टाइम हम सबको सिलेबस के साथ साथ अपने नंबर्स को भी श्योर करने हैं कि इतने नंबर हमारे इस एग्जाम में श्योर हो रहे हैं. पीटी के लिए एकदम सेटिस्फाइड हो जाए कि 17th ऑफ नवंबर को पेपर देकर आए तो 18th ऑफ नवंबर को मेंस लिखना शुरू कर दें. और ऐसा ही होगा यदि आप लगातार लगे रहेंगे. तो थोड़ा सा डिले है, हम लोग डिले हैं, काइंड ऑफ द रीजंस मैंने शेयर भी कर दिया था शायद टेलीग्राम ग्रुप में कि कारण क्या था. तो सभी लोग तैयार हैं, एक बार फटाफट बता दीजिए, है ना, जल्दी जल्दी बता देंगे. गुड आफ्टरनून टू एवरीवन. जल्दी से जो लोग लेट हैं वो लोग ज्वाइन कर लें. और बताइए क्या कल जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे, कल जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे, कल जो मैंने होमवर्क दिए थे आपको, क्या आपने क्वेश्चंस होमवर्क क्वेश्चंस तो कर लिया है, मैंने देखा था टेलीग्राम ग्रुप में. और होमवर्क में जो आप लोगों का था, क्या होमवर्क डन है या अभी होमवर्क आप लोगों का नहीं डन है, फटाफट बताइए. होमवर्क सभी ने कर लिया है. होमवर्क ने मैंने कहा था घटनाचक्र, घटनाचक्र के सारे एमसीक्यू आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए. ऐसे कुछ एमसीक्यू है क्या घटनाचक्र के एमसीक्यू जो आपसे नहीं बने होंगे, जल्दी जल्दी बता दीजिए, आप फटाफट बता दीजिए, एकदम से डिले नहीं करिएगा, थोड़ा क्विकली हम लोग चलेंगे. रीना, स्वीटी, गौरव, शंकर कुमार, सब लोग बताएं. पूजा, राखी, अच्छा कोई बात नहीं, राखी जी आपका फर्स्ट क्लास है तो आप अब वर्किंग वीडियो को देख लेना चाहिए. डन है सर होमवर्क. आरती जी कर रही है, अपर्णा कर रही है डन है. राम बाबू कुमार डन, रोशन कुमार डन. बस हम यही देखना चाहते हैं सबका डन होना चाहिए, 24 का लेना है. हाँ बहुत बढ़िया, जिनका बन गया बहुत शानदार, जिनका नहीं बना है प्लीज अगेन कि आप अपने देखिए, अब हम लोग जो बता रहे हैं आप उसको फॉलो नहीं करिएगा तो बाद में उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है. हम लोग कह रहे हैं, अश्योर कर रहे हैं कि यदि आप हमारे हम सबके पूरे प्रोग्राम को लेकर फॉलो करते हैं तो हम लोग जैसे अपने कंटिन्यूटी के साथ, आप भी सोचिए कि क्लास चाहा जाता तो छोड़ दिया जाता, लेकिन सर का कहना था नहीं क्लास तो एट एनी कंडीशन नहीं छोड़ना है. नहीं होता लास्ट में दूसरे तरीके से पढ़ाया जाता, लेकिन पढ़ाया ही जाता है ना. आईके सिंह कह रहे हैं सर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है. और एक बात बताइए कि कल के पूरे क्लास को देखने के बाद आप लोगों को कैसा फील हुआ, क्या मजा आया ना? ऐसा तो नहीं है कि कल के क्लास देखने के बाद ठीक लगा, कुछ अलग लगा ना? जल्दी बताइए, फटाफट जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी, क्योंकि अब क्लास को स्टार्ट करना है, समय कम है हमारे पास और हम सबको पढ़ना है, फटाफट बताइए. सर का क्लास पीडीएफ, आर कुमार जी क्लास का पीडीएफ मैंने सेशन में भेज दिया है, आप लोगों ने देखा या नहीं, है ना. तर्कस बीपीएससी पीवीएससी. एके सिंह जी अब आपका इच्छा, वेरी गुड सर. अच्छा शंकर कहने भी, सर सर प्लीज बताइए घटनाचक्र 2024. गौरव जी घटनाचक्र आपको जो लेना है वो लीजिए, हमको घटनाचक्र से मतलब है, हाँ ना, घटनाचक्र आपके पास होना चाहिए, ठीक है. गजनी के संस्थापक और कन्नौज और चंदावर का युद्ध डेट दोनों सेम दिया है तो कौन सही होगा, गजनी के संस्थापक और कन्नौज और चंदावर युद्ध का डेट दोनों, ऐसे कैसे हो सकता है रमेश जी? क्वेश्चन को भेज दीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप में, हम देख लेंगे, आपको बता देंगे. वैसे मैंने क्वेश्चन आपको दिया ही है शायद, इससे क्लियर बता देंगे. जो मैंने लिखवाया है वो एकदम परफेक्ट है, ध्यान रखिएगा. हालांकि आज वन शॉट रिवीजन भी हम करा रहे हैं. अपर्णा कह रही है कि किसी क्वेश्चन में डाउट है, आपको जिस क्वेश्चन में डाउट है टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा, मैं खुद एक्टिव रहता हूँ टेलीग्राम पे, मैं रिप्लाई करता हूँ फटाक से. जैसे आप क्वेश्चन भेजेंगे हमको टैग कर दीजिएगा, @kumarsir मिल जाएंगे, हम तुरंत आपको रिप्लाई करेंगे उस पर. गजनी और चंदा और मनोज दोनों था, ठीक है, आप हमको दे दीजिएगा, हम देख लेंगे. ओके ओके, हम देख लेंगे, डोंट वरी, देख लेंगे, आप निश्चिंत रहिए. चलिए आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं. सभी लोग एक बार सेशन को मतलब अब दिमाग से सेशन के साथ जुड़ जाइएगा, अपने दिमाग को प्रेजेंस रखिएगा, स्पीड को मेंटेन करते हुए मैं सबको कंप्लीट करने वाला हूं. तो ध्यान रखिएगा, स्पीड भी रहेगा, आप कोई इधर उधर का बात नहीं करेगा, कुछ भी बात नहीं करेगा, पूरा लगातार सेशन आप देखना है. चलिए आइए, तो सबसे पहले मैं एक बार कल जितना पढ़ाया था मैंने उसको हॉरिजॉन्टली एक रिविजन मार देता हूं. मैं आपको मैंने बताया था ये पीडीएफ भी मैं आज भिजवा दूंगा. हिस्ट्री के 3 पार्ट मैंने बताया था. हम लोग अभी कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? मध्यकालीन भारत, जो आपको पता है मध्यकालीन भारत 700 से 1526 ईस्वी तक, जो लोगों ने कल मैंने पूरा डिटेल इसके बारे में समझाया था. हाँ चलिए,
अनिश जी सबका होगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, आपका भी उस बैच में भी क्लासेस चलेंगी 1 से 2 दिन में, अभी एप्लीकेशन दिक्कत था। आइए अभी कोई दूसरा बात नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैंने आपको यामिनी वंश के बारे में बताया था, शायद आपको ध्यान होगा, मैंने यामिनी वंश के बारे में कल बताते हुए पढ़ाया था, ध्यान रखिएगा। सबन आज वॉल्यूम बढ़ा दें, वॉल्यूम तो ज्यादा ही है शायद, वॉल्यूम 1 सेकंड रुक जाइए, वॉल्यूम बढ़ा देते हैं हम, रुक जाइए वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। चलिए वॉल्यूम अब क्लियर हो गया है, वॉल्यूम बढ़ा दिया मैंने। चलिए हाँ, गजनी यामिनी वंश से था, मैंने कल लगभग लगभग बता दिया था, गजनी साम्राज्य यामिनी वंश का संस्थापक था, टोटल बता दिया था कल मैंने, है ना। ये साम्राज्य अब्दुल मलिक दास का था, ये इसके बारे में कहा जाता है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। गजनी बेसिकली अफगानिस्तान के क्षेत्र में यह गजनी शहर हुआ करता था, कल मैंने मोटे तौर पर सब पढ़ा दिया, लेकिन फिर भी मैंने आपको पीडीएफ बना दिया। गजनी का अटैक कैसे होता है तो सब मैंने अटैक के बारे में बताया, गजनी ऐसे अटैक करता है, ऐसे करता है ऐसे, और उसके बाद गजनी जाके भटिंडा वाले क्षेत्र के आसपास, है ना, ये गजनी नहीं गजनवी, है ना, गजनी नहीं भाई गजनवी, गजनवी गजनवी इसका नाम है, गजनी प्रदेश है। चलिए आइए अगला आगे देखते हैं, हम हॉरिजॉन्टली एक बार रिवीजन कर रहे हैं। ये मैंने कल आपको बताया था, पूरा डिटेल नहीं बताया था कि गजनी ने 1000 ईस्वी से शुरू किया पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों से, हालांकि 1025 वाला जो मैंने बताया था उससे प्रश्न आता है, लेकिन फिर भी ये पीडीएफ आज मैं आपको आपके ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में भिजवा दूंगा। ये सारे टेक्स मोटे तौर पर देख लीजिए, जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारे फैक्ट्स को मैं बता दे रहा हूँ, है ना, पीडीएफ भी दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल मनोज जी, ध्यान रखिएगा। पंजाब ये तो मैंने बताया था कि 1000 ईस्वी से लेकर 17 बार आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण लगातार कहाँ कहाँ किया है, कौन कौन शासक थे, ये आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बताया था, ये सोमनाथ मंदिर का अटैक है 1025-26, जिसको मैंने कल लगभग लगभग डिटेल क्लियर बताया था, आप ध्यान से देखे होंगे, कल मैंने इसको क्लियर बताया था। यहाँ के शासक कौन थे, भीमदेव थे, ये भी भीमदेव प्रथम थे, भीमदेव नहीं भीमदेव प्रथम। उसके बाद सिंध के जाटों से लड़ाई की और इसकी बढ़िया से पिटाई हो गई और ये रिटर्न चला गया, लगभग कल मैंने क्लियर कर दिया था। आज मैंने पीडीएफ पे एक बार हॉरिजॉन्टली रिविजन कराया है कि ताकि आप जो पढ़े हैं वो रिविजन हो जाए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, आगे का प्रश्न क्या है, ये मोहम्मद गोरी है, मोहम्मद गोरी के बारे में मैंने आपको पूरा बताया था डिटेल की, गोर प्रदेश का है, यह भी अफगानिस्तान से आया हुआ गोरी है, 1175 में सबसे पहले मुल्तान पे आक्रमण करता है, 1178 में गुजरात के शासक भीम द्वितीय रहते हैं, मैंने इनके बारे में डिटेल आपको बताते हुए कल बताया था कि भीम द्वितीय, इनको बघेल भीम भी कहा जाता है, प्यारे भाई बघेल भीम भी कहा जाता है, और बघेल भीम ने इसको बड़ा मारा था, फोटो देख लीजिएगा, दाढ़ी वाढ़ी बढ़ा के ऐसे ही रहा करता था पगला की तरह, लेकिन हाँ ये शासक की तरह हुआ करता था, दाढ़ी बढ़ाने का दैट नॉट मीन ऑफ दैट की दैट मीन्स पागल, बट स्टिल ये दाढ़ी बाढ़ी बढ़ा के ऐसे ही रहा करता था, इसका फोटो ऐसा ही है, ध्यान रखिएगा। कल मैंने पूरा ये सब पढ़ा दिया, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आपको एक आपके दिमाग में एक, हाँ सर भीम सेकंड होगा ना, हाँ भीम सेकंड ही तो है, भीम सेकंड लिखा हुआ है, इनका नाम बघेल भीम भी है, ध्यान रखिएगा, बघेल भीम भी इन्हीं को कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, इसने कहाँ कहाँ कौन कौन सा अटैक किया, ये सारा अटैक आपको लाइन से दिया हुआ है, जो 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 इंपॉर्टेंट है मैंने कल बता दिया था, जो मेन इंपॉर्टेंट है इसमें मैंने बताया था तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का सेकंड वॉर, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये अंतिम 1196 में ग्वालियर पे करता है, आपको पता है, और इसके बाद इसका अटैक मोहम्मद गोरी खत्म हो जाता है। अब मोहम्मद गोरी के बाद शायद इसके आगे हम लोगों को बढ़ना था, भाई इसके गोरी के दामाद था, ये अल्दौस दामाद था गोरी का, ध्यान रखिएगा। नासिरुद्दीन क्वाचा भी दामाद था, कौन था प्यारे भाई, दामाद था, ध्यान रखिएगा, दामाद था, और ऐबक भी दामाद था। मैंने कहां तक पढ़ाया था एक बार जल्दी से हमको बता दीजिए, फिर हम लोग कहानी को शुरू करते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी बताइएगा क्या कहां तक हमने कल पढ़ाया था, एक बार सभी लोग हमें बता दीजिए कि कल हम लोगों ने कहां तक कंप्लीट किया था, जल्दी बताइए ताकि हम लोग आगे कहानी को बढ़ाएं, जल्दी बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक तक हम लोगों ने कर लिया था क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक कल शुरुआत कर लिया था, मुझे ध्यान नहीं है, मैं कई क्लासेस पढ़ाता हूँ, एक बार जल्दी, मोहम्मद गोरी तक हो गया था, अच्छा मोहम्मद गोरी तक हो गया था, चलिए अब यहीं से शुरू करना है, अब ध्यान से सभी लोग अपने दिमाग को प्रेजेंस कर लेंगे और क्लास को ध्यान से सुनेंगे। प्यारे भाई कुतुबुद्दीन सॉरी मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी के जाने के बाद भारत में किसको, सर स्क्रीन पर नाम और फोन नंबर बार बार इधर से उधर हो रहा है, डिस्टर्ब होता है, नहीं वो आपके प्राइवेसी के लिए ऐसा होता है, होता है, ध्यान रखिएगा, वो हम कुछ नहीं करते है ना। लेखा भारती कह रहे हैं गोरी के डेथ तक, अब ध्यान रखना सबको, गोरी के डेथ तक आगे अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप पढ़ेगा, एक एक हमको कोई कमेंट नहीं चाहिए, अब हमको चाहिए पूरा क्लियर कंसंट्रेशन, एक बार में सबको याद हो जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा। आइए प्यारे भाई आगे हम लोग गोरी के बारे में, गोरी का मौत हो जाता है, गोरी मर जाता है, और गोरी के मरने के बाद प्यारे भाई कौन बचता है, तो भारत में किसको बैठा के गया था, ये ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आप जानते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक यही कुतुबुद्दीन ऐबक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक तो दास था प्यारे भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक दास, और किसी भी दास का मतलब होता है मध्यकालीन भारत में कि दास का मतलब दामाद भी होता है, ध्यान रखिएगा, और दामाद क्या होता है, इसी ऐबक को, ऐबक के ऊपर दिल्ली को छोड़ के गया था,
दिल्ली को छोड़ के गया था ऐबक के ऊपर कि तुम ही संरक्षण करोगे। ऐबक दिल्ली को देखता था, प्यारे भाई ऐबक दिल्ली को देख रहा था, और है ना, ठीक है चलिए, सरिता सिंह जी नहीं, वो भीम बघेल भीम होगा, भीम द्वितीय होगा, मूल राज भी उसी का नाम है। चलिए सरिता जी प्लीज अभी फोकस हियर, तो हम बता देंगे उसके बारे में भी, घटना चक्र के चक्कर में नहीं रहिए, मैं जो बता रहा हूँ पूरा फैक्ट्स बता रहा हूँ, ध्यान रखिए। चलिए आइए, तो ये ऐबक कौन था, डिस्टर्ब बीच में नहीं करिए आप लोग प्लीज, समय है ना, आप समझ रहे हैं, बाद में लास्ट में पूछ लीजिएगा आप लोग। ऐबक, ऐबक के ऊपर दिल्ली का संरक्षण था प्यारे भाई, अब दिल्ली का कौन प्रमुख हो जाएगा, ऐबक हो जाएगा, गोरी के मरने के बाद दिल्ली का प्रमुख कौन हो जाएगा, ऐबक हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, ऐबक सबसे छोटा दामाद है और सबसे बड़ा दामाद कौन है, ये सबसे बड़ा दामाद ये है, तो क्या सबसे बड़ा दामाद और उसके बाद मझिला दामाद ये है नसीरुद्दीन क्वाचा। एक बात बताओ, नसीरुद्दीन क्वाचा और एल्दौज इस बात को बर्दाश्त कर लेंगे का, क्या कि पूरे दुनिया में इसको सोने की चिड़िया कहते हैं पेरे प्यारे भाई, उस सोने की चिड़िया के जगह ऐबक जो नया सबसे छोटा दामाद है वो बैठेगा, बर्दाश्त कर लेंगे, नहीं करेंगे। एल्दौज बार बार धमकाएगा, सुनो तमीज में रहो, तुमको गोरी ने क्या दिया है, गोरी ने, मोहम्मद गोरी ने तुमसे, यानी ससुर जी ने तुमसे यह बोला है कि तुम संरक्षण करता हो, तुम वहां के राजा नहीं हो, यू आर नॉट द किंग ऑफ इंडिया, यू आर ओनली ऑन प्रोटेक्शन फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन, तुमको एज अ एक बॉडी बनाया गया कि तुम भारत के सारे साम्राज्य का प्रोटेक्शन करोगे। गोरी भी डरपोक था, एल्दौज डराता था, गोरी डर जाता था, तो गोरी ने प्यारे भाई क्या किया, ध्यान रखिए आपको याद होगा कि गोरी का राजधानी कहाँ है प्यारे भाई, गोरी यहाँ आ गया है ना, यहाँ हमको बताना होगा आपको मैप पे थोड़ा सा, गोरी की राजधानी कहाँ है ध्यान रखिएगा, गोरी के राजधानी के बारे में आपने ध्यान से सुना है, अभी तक सत्ताओं में सबसे दिल्ली पे ही सभी लोग बैठते थे, कहाँ पे, दिल्ली पे, लेकिन गोरी ने अपना राजधानी कहाँ रखा है प्यारे भाई, गोरी ने अपना राजधानी जानते हो कहाँ रखा है, यहाँ पे, यहाँ पे कहाँ, लाहौर में, लाहौर में क्यों रखा है, ये एल्दौज से डरता था, किससे प्यारे भाई, एल्दौज, एल्दौज से डरता था, एल्दौज कहता था देखो गोरी का जितना साम्राज्य है, आई एम द हेड ऑफ गोरी, क्या गोरी एम्पायर, मैं गोरी के साम्राज्य का हेड हूँ, मैं डिसाइड करूंगा कौन क्या है, और तुम राजा नहीं हो वहां के, तुम राजा नहीं हो, इसीलिए अपना राजधानी, इसने अपना राजधानी कहिए या अपना ऑफिस कहिए या अपना राजमहल कहिए, इसने कहाँ रखा, लाहौर में रखा। किसकी बात हो रही है, है ना, किसी किसकी बात हो रही है, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात हो रही है, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात हो रही है प्यारे भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात हो रही है, ध्यान रखना कुतुबुद्दीन ऐबक, इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है कि ये वास्तविक इस्लामिक साम्राज्य भारत का नहीं था, डरता था, अपनी राजधानी कहाँ रखा था, लाहौर में, यदि इसके अंदर दम होता, इच्छा होता और खूब नहीं डरता किसी से, तो अपनी राजधानी कहाँ रखता, दिल्ली में रखता, पूरी दिल्ली को देखता था, और जब एल्दौज इसको डराता था तो कहता था देखिए मैं यहाँ का किंग विंग नहीं हूँ, मैं प्यारे भाई क्या हूँ, तो मैं यहाँ का संरक्षण करता हूँ, आप ही के भाषा में मैं यहाँ का संरक्षण करता हूँ, तो आप हमसे परेशान मत होइए, आप हमको कुछ मत बोलिए, हम यहाँ का संरक्षण करता है, ये कौन कहता था प्यारे भाई, गोली कहता था, इसीलिए गोली को नहीं माना गया वास्तविक संस्थापक। तो बेसिकली पॉइंट क्या है आपके समझने के लिए, आपके जानने के लिए, तो ध्यान रखिएगा गोरी है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का राजधानी कहाँ था ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक का राजधानी कहाँ था ध्यान रखिएगा, कहाँ था प्यारे भाई, राजधानी इसने लाहौर रखा था, जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा हम बता दे रहे हैं, लाहौर कहाँ, राजधानी कहाँ है, लाहौर है, और कुतुबुद्दीन ऐबक इस्लामिक साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भारत में नहीं माना जाता है, गोरी के जाने के बाद इस्लाम को स्थापित करने में गोरी का बहुत बड़ा हाथ है, आप मानिए या मत मानिए, क्योंकि अभी तक जितने भी शासक आए हैं अफगानिस्तान की तरफ से वो लोग लूट कर चले गए, लेकिन गोरी वन ऑफ द रूलर, आप जानते होंगे गोरी को दास के तौर पर गुजरात से किसने खरीदा था प्यारे भाई, तो किसने खरीदा था प्यारे भाई बताओगे, तो उसको खरीदा था किसने, मोहम्मद गोरी ने ऐबक को, ऐबक को मोहम्मद गोरी ने खरीदा था, गोरी बोल दिया हूँ सॉरी, ऐबक को गोरी ने खरीदा था। अब देखो ऐबक को गोरी ने खरीदा था, और ऐबक ने क्या, गोरी ने क्या किया था, भारत को दो हिस्से में बांट दिया था, ये क्षेत्र तो आप जानते होंगे कि दिल्ली के सत्ता से बहुत दूर था, तो इसकी बात मत करिए, इधर वाला क्षेत्र किसको दिया हुआ था, तो ऐबक को, और इधर वाला क्षेत्र प्यारे भाई किसको दिया हुआ था, तो बख्तियार खिलजी को, किसको, बख्तियार खिलजी को, बख्तियार खिलजी को, खिलजी बड़ा चंट टाइप का आदमी था, ध्यान रखिएगा खिलजी बहुत चंट टाइप का आदमी था, तो खिलजी क्या किया ना, खिलजी ने किया क्या कि बिहार बंगाल इन सभी क्षेत्रों में आप आक्रोश मचाता रहा है ना, आक्रोश मचाता रहा, इसको लगा कि मैं सेनापति हूं और तो मेरा प्रभुत्व तो बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा तो मुझे शायद दिल्ली की सत्ता मिल जाए, लेकिन बख्तियार खिलजी को ये बात पता नहीं है कि ऐसा नहीं होता है, और खास तौर पे बिहारियों से धोखा देने वाले को आज तक दुनिया में जन्नत भी नसीब नहीं होता है। बख्तियार खिलजी ने हमारे विक्रमशिला को जलाया, बख्तियार खिलजी ने किसको जलाया प्यारे भाई, थोड़ा सा बिहार स्पेशल को चर्चा करते हुए टच करते हुए हम चलते हैं यहाँ से, बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला को जलाया, बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन को मारा,
हमारे भारतीयों की, हमारे बिहारियों की अस्मिता के साथ खेला, हमारे इमोशन को लड़ा। और जानते हैं बख्तियार खिलजी के साथ क्या हुआ? प्यारे भाई, बख्तियार खिलजी का अपना सेनापति कौन? अली मर्दान, इसका सेनापति था, उसने इसको मार दिया। सेनापति था, इसके साथ रहता था बिहार शरीफ में, इसको एक दिन निपटा दिया। उसको भी दिमाग में लगा, चलो ये मार ही रहा है, हम भी इसको निपटा देते हैं। बताओ, सेनापति इसका निपटा दिया, तो क्या मतलब है जी? क्या है बात का सुपीरियर की सेनापति ही तुमको निपटा दे रहा है? व्हाट डज मीन अबाउट योर एम्पायरशिप कि हम बहुत बढ़कर राजा हैं, हम बहुत मार रहे हैं? तो इसी में ये निपट गया। ऐबक शांत रहा, ऐबक को गोरी का सारा सत्ता मिला और दिल्ली में जाकर राजधानी लाहौर रखते हुए दिल्ली को हैंडल करने लगा, भारत को हैंडल करने लगा। ऐबक ने एक वंश का स्थापना की, इसको कहते हैं कुतुबी वंश। ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का। और ऐबक ने एक वंश का स्थापना किया, इसको कहते हैं कुतुबी वंश। तो हम लोग कुतुबी वंश तक चलते हैं। ये बताओ, पीछे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं? किसी तरह का डाउट तो नहीं है? बख्तियार खिलजी वाला भी मैंने लगभग बता दिया है कि बख्तियार खिलजी सेनापति था, दास नहीं था। कौन था? सेनापति था। क्लियर कॉन्सेप्ट रखेंगे, दास नहीं था, है ना? हालांकि बिहार स्पेशल में उसको मैं बहुत डिटेल बताऊंगा। मैं जो भी बिहार स्पेशल पढ़ाएंगे वो डिटेल बख्तियार खिलजी के बारे में पढ़ाएंगे, जो भी सर पढ़ाएंगे। तो बताइए क्या होगा इसका जवाब? ऐबक, है ना? क्लियर, सबका क्लियर है? एक बार फटाफट हाथ उठा के जल्दी बताइए, फिर हम लोग आगे कुतुबुद्दीन ऐबक के कुतुबी वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, निशापुर मार्केट से लाया था आरती जी, एग्जैक्टली निशापुर मार्केट से। निशापुर नाम नहीं पूछता, जल्दी बताइए सबका क्लियर है? एक बार कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए तो हम लोग प्यारे भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए, रीना कुमारी, शरिता कुमारी, पूजा कुमारी, आराधना, आराधना, आरती और लेखा भारती, यस सर, क्लियर। शेखर, ऑल क्लियर सर, वो पॉइंट हाईलाइट कर दे जहां से क्वेश्चन आते हैं। हाँ शेखर जी, वो तो मैं बोल बोल दे रहा हूँ मैं, है ना सर? एक बार और बता दीजिए, कौन है? सबाना, नीचे उतर जाइए, बिहार स्पेशल आप ही करवाइएगा ना सर। आरती जी, देखते हैं, लेट्स सी कौन करवाता है। एक पार्सल आया हुआ है, ओके फोन रख लीजिए। पार्सल किसी स्टूडेंट ने हमको भेजा, वो पार्सल आया हुआ है, ये टीचर डे का पार्सल है, अभी आ रहा है बड़ा लेट से। चलिए, बट स्टिल थैंक यू सो मच जिन्होंने हमको भेजा है वो पार्सल। कल भी एक आया हुआ था ना, बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड करके एक कप था, वो तो हमारे बैच के स्टूडेंट है, उन्होंने भेजा था। और रिंकी जी शायद, तो थैंक यू सो मच टू यू। एंड अगेन, फिर आज एक पार्सल आया, पता नहीं वो किसका है, आएगा तब पता चलेगा। तो थैंक यू फ्रॉम टू माय स्टूडेंट्स जो इतना हमको हम सबको मानते हैं। टीचर को क्या चाहिए होता है? शिक्षक को यही चाहिए होता है। कुतुबी स्लेब डायनेस्टी, हाँ कुतुबी, श्वेता जी स्लेब डायनेस्टी, ऑब्वियसली स्लेब डायनेस्टी ऑल्सो, इसमें कोई डाउट है? गुलाम वंश ही था, अभी हम बताएंगे। तो चलिए कुतुबी वंश की हम लोग शुरुआत करते हैं। किन्होंने? सबाना जी ने कहा, क्लियर कर दीजिए, एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिए, है ना? हम लोग मिशन मोड में, थोड़ा सा ध्यान रखें सर, क्लास आराम से कराइए जिससे दोबारा नहीं समझना पड़े। मोनू भाई, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको दोबारा नहीं समझना पड़ेगा, मैं आराम से ही क्लास लेकर चल रहा हूँ। अब इससे क्या ही आराम से लेकर चलूंगा, मिशन मोड है, हम लोग को एक दिन में कंप्लीट भी तो करना है ना। मैं मोनू भाई, आपको जहां समझ में नहीं आ रहा है आप पूछ लीजिएगा, लास्ट का 15 मिनट आपको डाउट सेशन रहेगा, ठीक है ना? आइए, अब कुतुबुद्दीन ऐबक के उस सेशन के हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का वैसे मैं कभी भी पीपीटी पे आज तक आप हमको पढ़ाते हुए नहीं देखे होंगे, लेकिन मैं बस आप लोग के मिशन मोड और आपके आपके कारण पढ़ा रहा हूँ, ओके सर, है ना? आपके कारण मतलब आपके टारगेट को पूरा करने, आपके एग्जाम्स को क्लियर कराने के लिए हम लोग प्री 75 डेज मोड में पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं आगे का। कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक वंश बना, इसका नाम कुतुबी है, यही कुतुबुद्दीन ऐबक है। इसके तीन दामाद थे, मैंने आपको बता दिया था। ऐबक को क्या मिला था जानते हैं? ऐबक को भारत मिला था, ऐबक को भारत मिला था। कुवाचा को सिंध का क्षेत्र दे दिया था, उसी ने दे दिया था। और एल्दौज को अफगानिस्तान का क्षेत्र दे दिया था। ये तीनों दामादों को, तीनों दामाद के क्षेत्र को ये बांटकर मरा था। कौन? तो भाई कौन? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी, तो ऐबक की हम लोग बात कर रहे हैं। एल्दौज गोरी को जगह, एल्दौज हमेशा गोरी का जगह लेना चाहता था। बिकॉज ऑफ दैट, आप सब जानते हैं कि भारत बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और भारत का अपना एक वैल्यू है। कुवाचा और ऐबक दोनों को अपना अधिकारी कहता था। ये हमेशा एल्दौज कहता था कि मैं सबसे बड़ा दामाद हूं, तो ये मेरा अधिकार बनता है कि जहां जहां, है ना? हाँ बिल्कुल, ये सब गोरी के दामाद थे, एग्जैक्टली, क्लियर। आइए आगे देखते हैं। तो एल्दौज सबसे बड़ा दामाद था, तो इन दोनों को धमकाता था कुवाचा ऐबक को, देखो औकात में रहो, है ना?
औकात में रहो। और गुलाम, दामाद का मतलब गुलाम होता है। जो लोग स्लेव डायनेस्टी की बात कर रहे हैं, ये स्लेव डायनेस्टी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि गुलाम है। ध्यान रखिए, आइए आगे का पॉइंट देखते हैं। शमसी वंश, अरे ये तो गायब ही कर दिए। चलिए ये शमसी वंश तो आगे, अब देखिए ऐबक के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल जान लेंगे। ऐबक के बारे में डिटेल जानना होगा। ऐबक ने दिल्ली पर बैठा और ऐबक ने बहुत सारे काम किए। ऐबक के बारे में लिखना शुरू कर दीजिए। ऐबक, ऐबक दिल्ली पर बैठा। कब बैठा? दिल्ली पर। इसने एक वंश का स्थापना किया। इसका ऐबक का वंश कौन था प्यारे भाई? ऐबक का वंश कौन था जानते हैं? ऐबक का वंश था कुतुबी वंश। ये कुतुबी वंश का संस्थापक था। कुतुबी वंश का संस्थापक, कुतुबी वंश का संस्थापक दिल्ली की सत्ता पर। दिल्ली की सत्ता पर तो नहीं बैठा, लेकिन भारत के ऊपर कब्जा कब किया था बताएंगे? कब किया था? कितने लोग बताएंगे? 1206 से लेकर 1200 कब तक? 10 तक। 1206 से 10 तक, ध्यान रखिएगा। 1206 से लेकर 1210 तक, है ना, 10 तक। हालांकि 4 साल तक, 1206 से और 1210 तक तो कुतुबुद्दीन इसका संस्थापक था। कुतुबी वंश का संस्थापक कौन था याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछता है संस्थापक, जो जो पूछता है उसको बता दे रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा। ऐबक, ऐबक 1206 से लेकर और 1210 तक लगभग लगभग सत्ता पर बैठा रहा। ऐबक ने बहुत सारे काम किए। ऐबक मजबूत शासक था। ऐबक सही में उसको लर्निंग आती थी। उसने लाहौर में बैठते हुए भी दिल्ली को यानी भारत को मैनेज करने के बहुत सारे नए नए तरीके अपनाए और वो सक्सेसफुल भी रहे। इसी से नई शेखर जी, 1206 से 10 ही होता है, 11 नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। इसने बहुत सारे काम किया, है ना, इसने बहुत सारे निर्माण किए जो हमेशा चर्चाओं में रहता है। रूलिंग के मामले में बहुत सारा काम नहीं कर पाए क्योंकि ये लाहौर बैठता था, तो इसको पता ही था कि बस इसको इतना ही काम चल जाए, इतना टैक्स आ जाए इसके पास कि ये सत्ता को क्या कर पाए, रेगुलेट कर पाए। इससे ज्यादा इसको कुछ चाहिए नहीं था। तो ये बहुत सारा काम किया, निर्माण कार्य कुछ किया जो हमेशा फेमस रहता है। उस निर्माण कार्य के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। निर्माण कार्य ये किया, एज अ राजा सभी लोग अपने प्रतिष्ठा, अपने समाज और अपनी पहचान के लिए कुछ निर्माण काम करवाते हैं। उसमें एक फेमस है 2.5 दिन का झोपड़ा। यार प्यारे भाई, 2.5 दिन का झोपड़ा कितने लोग जानते हैं? 2.5 दिन का झोपड़ा कितने लोग जानते हैं? 2.5 दिन का झोपड़ा कितने लोग जानते हैं? ध्यान रखिएगा, ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो है इसको ऐबक ने बनवाया था। ऐबक ने बनवाया था। इसके बारे में कहा जाता है कि ये पहले एक जैन मंदिर हुआ करता था। कौन सा मंदिर? जैन मंदिर हुआ करता था, जैन मंदिर। और इसको बनवाने वाले कौन थे तो इसकी चर्चा मिलती है एक जैन धर्म के बारे में कि इसको बनवाने वाले का नाम था विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय ने इसको बनवाया था और इसी को तोड़कर बना था यह। इसी को तोड़कर पूछा हुआ प्रश्न है, इसीलिए बता रहे हैं। इसी जैन मंदिर को तोड़कर बना हुआ था क्या? 2.5 दिन का झोपड़ा जैन मंदिर को तोड़कर बना था। यह बात बार 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 पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। विग्रहराज फोर ने, सॉरी विग्रहराज फोर ने, है ना, विग्रहराज फोर ने, किसने? विग्रहराज फोर ने, द्वितीय नहीं, फोर ने लिखवाया है। विग्रहराज फोर ने इसकी चर्चा किया है, ध्यान रखिएगा। और इसकी चर्चा किया, जैन मंदिर है, इसको बनवाया था। और ये हरिकेल नाटक है, एक नाटक है हरिकेल नाटक। हरिकेल नाटक में इसकी चर्चा मिलती है, वहीं से इसका प्रमाण मिलता है। हालांकि एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आज तक ऐसे कुछ पुख्ता प्रमाण देने से मना कर दिया है। सरस्वती मंदिर को तोड़कर 2.5 दिन का, जी नहीं, बेंजामिन नेतन्याहू, एक हरिकेल नाटक है। इस नाटक के प्रिफरेंस में क्वेश्चन भी पूछेगा तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि जैन मंदिर को तोड़कर बनाया गया था, नहीं, ये फैक्ट गलत हो जाएगा। जब तक एएसआई इसकी पुष्टि नहीं करता तब तक इस फैक्ट को गलती माना जाएगा। पूछा जाएगा कि हरिकेल नाटक में कुतुबुद्दीन ऐबक के बनाए हुए 2.5 दिन का झोपड़ा के बारे में क्या चर्चा है, और उसके बारे में बता दिया जाएगा कि जैन मंदिर जिसको विग्रहराज फोर्थ ने बनवाया था क्या उसका या वो उसको तोड़कर बनाया गया या बला 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 तरह की चीजें बता दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी बिना फैक्ट्स, वो सारे फैक्ट्स जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उसके अलावा आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों सुपीरियर बनना? जो आपके एग्जाम में एग्जैक्ट आएगा वही, है ना। आर कुमार कह रहे हैं संस्कृत स्कूल, देखिए इसकी पुष्टि आज तक नहीं किया गया है मेरे प्यारे भाई, इसकी पुष्टि आज तक नहीं किया गया है, मैं कैसे बता दूं? हाँ, हरिकेल नाटक संस्कृत के बारे में भी चर्चा मिला है, लेकिन इसको प्रूफ नहीं किया। एकदम संस्कृत स्कूल के बारे में भी चर्चा मिला है, ठीक है, संस्कृत स्कूल था, है ना, संस्कृत स्कूल था, इसके बारे में भी चर्चा मिला है। लेकिन प्यारे भाई तभी बोलेगा, आप इसका जवाब तभी दीजिएगा जब ये हरिकेल नाटक से रेफरेंस देगा। डायरेक्ट मत इसको जवाब दीजिएगा क्योंकि एएसआई ने इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की है कि ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है। आर कुमार, पूजा कुमारी, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, किसी को दिक्कत नहीं है ना, कुतुबी, ठीक है ना। कुतुबी में दो शासक थे, शेषक जी, शेखर जी, पहला तो ये था और इसका लड़का था, वो भी 2-3 महीने के लिए बना था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद 2 ही दिन के लिए बना था, ठीक है, कोई इशू नहीं है ना।
दो शेखर जी दो ही जा सकते, सब बता देंगे, आप निश्चिंत रहिए, बस आप कंटिन्यू चुपचाप देखते रहिए, हम एक कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, कहानी कहानी में सब कुछ बता देंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और ना, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ बना था, दिल्ली में, लिख लो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, इसको भी लिखवा देते हैं अगले पेज में, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी का, कुब्बतुल इस्लाम किसने बनाया है, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनाया, इसने बेशक रहता था, है ना, कहाँ बनाया, दिल्ली में मस्जिद बनाया था, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद है, ये कहाँ बना, दिल्ली ने, किसने बनवाया, ऐबक ने बनवाया, ध्यान रखिएगा ये भी प्रश्न आता है ना, ऐबक ने बनवाया ये भी प्रश्न आता है। और भी इससे जो मेन मशहूर है वो क्या है मेरे प्यारे भाई, सबको पता है कुतुब मीनार, कुतुब मीनार सबको पता है, कुतुब मीनार किसने बनवाया, तो इसने बनवाया, ये भी ध्यान रखिएगा, कुतुब मीनार किसके नाम पर बनवाया है, तो हमें लगता है कि सबको पता होगा कि कुतुब मीनार इन्होंने, इसने किसके नाम पर बनाया है दिल्ली में, जल्दी बताओ किसके नाम पर बनवाया है, तो अपने गुरु, इसके गुरु हुआ करते थे, उसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसने बनाया है ना, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर बनाया है, ध्यान रखिएगा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर बनाया है। अब थोड़ा सा इसके बारे में हमेशा प्रश्न आता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं प्यारे भाई, ये पांच फ्लोर्स हैं, 1 2 3 4 5 है ना, 5 4 3 2 1, तो इसको बनवाना किसने शुरू किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऐबक ने बनवाना शुरू किया था, लेकिन इसके बीच में और भी बहुत सारे लोग हैं, इल्तुतमिश का नाम आता है, फिरोज शाह तुगलक का नाम आता है, इन दोनों का नाम आता है, तो ये कहा जाता है कि इसको बनवाया किसने, इल्तुतमिश ने बनवाया, इल्तुतमिश ने, दिख तो रहा है ना, लिख देता हूं मैं यहीं से, ये क्लियर कर लीजिएगा, इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने, और कहा जाता है कि इसको फिरोज शाह तुगलक ने, FST ने बनवाया है, FST यानी फिरोज शाह तुगलक, लिख देते हैं फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने इसको बनवाया था, हालांकि फिरोज शाह तुगलक ने, हालांकि हुआ क्या था, एक बार हुआ क्या था कि ये सारा बनवाने के बाद टूट गया था, टूटने के बाद मरम्मत कराया था फिरोज शाह तुगलक ने, इसीलिए फिरोज शाह तुगलक का नाम सबसे ज्यादा आ जाता है, ध्यान रखिएगा, तूफान से टूटकर पांचवा और चौथा दोनों तल्ला टूट गया था, है ना, तीन पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था, बिल्कुल नहीं, तीन पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था, चौथा भी करवाया था, लेकिन तूफान के कारण टूट गया था, इसीलिए फिरोज शाह तुगलक का नाम बार बार आता है, ध्यान रखिएगा। खैर, हम लोगों को इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, फोर्थ भी कराया था साक्षी दुबे, एग्जैक्टली इल्तुतमिश ने तीन चार दोनों बनवाया था। चलिए, जो हो गया, ये कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार का पूरा स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, किसके नाम पर बनाया था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर, इसको फटाफट नोट कर लीजिए, जल्दी 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 नोट कर लीजिए। और दरबारी कवि थे हसन निजामी, इसके दरबारी कवि के बारे में भी ध्यान रखिएगा, इसके दो लोग दरबारी कवि थे, इससे भी प्रश्न पूछता है, हम लोगों को बहुत आगे बढ़ना है, अभी दरबारी कवियों के बारे में नाम पूछता है, ध्यान रखिएगा, दरबारी कवि प्यारे भाई कौन थे, हसन निजामी, हसन निजामी, हसन निजामी ये थोड़ा सा ज्यादा फेमस है क्योंकि इन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम है ताजुल एमआरसी, इस बुक का नाम प्यारे भाई क्या है, ताजुल एमआरसी, एक किताब लिखा है इसलिए ये फेमस है, ताजुल एमआरसी, ताजुल एमआरसी, ठीक है। दूसरा जो किताब है प्यारे भाई हसन, सॉरी दूसरा किताब नहीं, दूसरे जो है उनका नाम क्या है, फक है मुदब्बिर, बिल्कुल फक है मुदब्बिर, और ये थे फक है मुदब्बिर, फक ए मुदब्बिर, ये दोनों लोग फेमस हैं जो इसके दरबारी कवि थे। दरबारी का मतलब ये होता है कि जो ज्ञान देता है, जो ज्ञान देता है मतलब जो साथ देता है, बताता है कि हु इज राइट हु इज रॉन्ग, जो साथ देता है उसी को दरबारी कवि के तौर पर जाना जाता है, ठीक है। हमें लगता है कि आप सबको क्लियर दिख रहा होगा, सबको क्लियर दिख रहा है ना, फटाफट लिख कर हमको बताइए, लिख लिया है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी। जो लोग स्पीड तो नहीं लग रहा है ना आपको प्यारे भाई, स्पीड तो नहीं लग रहा है, जल्दी जल्दी बताइएगा, स्पीड का कोई इशू तो नहीं है, लिख कर हमको तुरंत बताइए। हो गया, आगे सबका लिख लिए कंप्लीट, ओके ओके, नो सर स्पीड सही है अपर्णा सिंह, ठीक है। तो एक बार जल्दी से बताइए, थोड़ा थोड़ा मैंने पीपीटी कहीं कहीं उठाया हुआ है बिकॉज ऑफ दैट कि टाइम को मैनेज करना है और आपकी स्पीड को भी मैनेज करना है हमें, तो उसके लिए आप लोग ये नहीं सोचेंगे कि नहीं, हाँ सर स्पीड है बट जल्दी कंप्लीट हो, हाँ सबानाज बिल्कुल स्पीड, देखिए पता है ना जीवन में ना, इफ यू If you have a target, तो आप कर सकते हैं। जिस दिन साउंड क्लियर नहीं आती आपकी, राज कह रहे हैं साउंड क्लियर नहीं आती, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि साउंड में इश्यू हो,
साउंड में इश्यू हो ऐसा नहीं हो सकता है सर, साउंड इज ओके, आप बताइए तो। साउंड अब ठीक है ना? ठीक है। नहीं देखिए, मैं अभी, हम लोग ऐसा थोड़ी कह रहे हैं कि आप लोग जल्दी से कंप्लीट कर, आपको समझ में भी आना चाहिए, आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना? क्लियर? चलिए ओके। अजीत सिंह जी, कोई बुक नहीं यूज करिएगा, मैं जो नोट्स दूंगा, मेरा जो क्लास है और घटना तक का एमसीक्यू, इसके अलावा किसी बुक को टच मत करिएगा। अब आई प्रॉमिस सर, एक बार सर बुक का नाम एक बार रिपीट कर देना देना कृपा, कि रवि एस चौधरी, बुक का नाम है ताजुल एम आर सी। प्यारे तातुल लिख दिए हैं क्या जी? ताजुल एम आर सी, क्या नाम है प्यारे भाई? ताजुल एम आर सी। ताजुल एम आर सी, फक्या मुदब्बिर इसका नाम है, फक्या मुदब्बिर। क्लियर? सबका क्लियर? मोनू दरबारी कभी, मतलब जो नहीं होता है तेज तराज लोग, पढ़े लिखे लोग जो सपोर्ट करते हैं, दैट इज द दरबारी कवि, वही थे। हसन निजामी था, इसने एक किताब लिखा ताजुल एमार से, इसलिए फेमस है। और फक्के मुदब्बिर जो दरबारी कवि था कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो इनकी चर्चाएं बार बार मिलती रहती है, इनसे प्रश्न थोड़ा सा पूछता है, तो बी अवेयर, तैयार रहिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए सर, आप शिखर करें। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब इसके बाद ना हुआ क्या बेसिकली, कि इसका और कुछ इसके बारे में खास नहीं जानना है, इसके बारे में बस दो तीन पॉइंट और जानना है। ये पोगा चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक का, कुतुबुद्दीन ऐबक को चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई। ऐबक का 1210 ईस्वी में चौगान, जिसको पोलो कहते हैं, चौगान या पोलो खेलते हुए कहा जाता है, पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई, ये इतिहास कहता है, मैं तो नहीं मानता हूं, खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई, हालांकि ये नहीं कहना चाहिए, इसकी मृत्यु हो गई, लिख लीजिए। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा, मृत्यु हो गई, ये पता है काला सा इसका फेस था एकदम काल, यदि ये व्यक्ति 1210 में, ये व्यक्ति को यदि आप अंधेरे में देख लीजिएगा तो डर जाइएगा, इतना काला हुआ करता था। चौगान पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई, इसके इतिहासकार लिखते हैं। अब इतिहासकार क्या होता है ना, उस वक्त के इतिहासकार जो थे वो मुस्लिम ही थे, दरबारी ही थे, तो अपने राजा के बारे में कुछ गलत नहीं लिखते थे, पता नहीं कैसे मरा होगा, खुदा जाने, बट स्टिल इसका मृत्यु हो गया। ध्यान रखिए, इससे और कुछ खास प्रश्न पूछता नहीं। इसके बाद इसका एक लड़का था, इसका नाम था आराम शाह। आराम शाह, ये बेसिकली आराम शाह भी आराम शाह की ही तरह था। आराम शाह कौन था? ऐबक का लड़का था। कौन था प्यारे भाई? ऐबक का लड़का था, ध्यान रखिएगा, ऐबक का लड़का। और ऐबक का लड़का तो था, लेकिन ऐबक का लड़का इतना कामयाब नहीं था, बाप 10 नंबरी और बेटा 1 नंबरी, बेटा निकला मतलब फर्राटेबाज, 1210 में ही सत्ता पर बैठा, और 1210 में ही इसको इल्तुतमिश ने बेला दिया, इल्तुतमिश ने इसको हटा दिया। अब इल्तुतमिश कौन था प्यारे भाई? तो थोड़ा सा इल्तुतमिश के बारे में जान लो। इल्तुतमिश दास हुआ करता था। किसका? इल्तुतमिश दास था। किसका? इल्तुतमिश दास था। किसका प्यारे भाई? तो वो था ऐबक का, ऐबक का दास था, इसीलिए इसको दासों का दास कहा जाता है। इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? दासों का दास कहा जाता है प्यारे भाई, ध्यान रखना है। इल्तुतमिश को दासों का दास कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि गोरी का दास कौन था प्यारे भाई? ऐबक। और ऐबक का दास कौन था? तो प्यारे भाई कौन था? इल्तुतमिश। इसीलिए इल्तुतमिश को दासों का दास कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि अगला अधिकार किसका होता है? दास का। आराम शाह सत्ता को कब्जा करने में असफल रहा, जो उसका लड़का था, उसके बाद आ गया इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कमान संभाला प्यारे भाई, और इल्तुतमिश ने कमान संभाला, और इल्तुतमिश ने अपने वंश का। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में छोटा छोटा पॉइंट है, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं मिस कर गया हूँ। वो क्वेश्चन पूछता है हमेशा, हातिम द्वितीय कहते हैं, चंद्रमा का स्वामी कहते हैं, ये सब थोड़ा सा लिख देते हैं इधर, मैंने मिस कर दिया है, तो इसको लिख देते हैं। ऐबक के बारे में, ऐबक के बारे में थोड़ा थोड़ा इसकी कुछ उपाधियां हैं जो पूछा जाता है, उपाधि यहाँ लिख देते हैं, लिख लीजिए आप लोग, उपाधि है इसके बारे में पूछा जाता है, है ना? क्या क्या उपाधि है बता देता हूँ मैं, ध्यान से सुन लो। उपाधि, इसको चंद्रमा का स्वामी कहा जाता है, ऐबक को चंद्रमा का स्वामी स्वामी हातिम द्वितीय कहा जाता है। क्या प्यारे भाई? हातिम द्वितीय, यह भी प्रश्न पूछता है, इसीलिए मैंने सोचा कि बता दें, हातिम द्वितीय तो पूछा हुआ है। और क्या कहा जाता है, कितने लोग बताएंगे? हातिम द्वितीय, चंद्रमा का स्वामी, ये सब ऐबक को कहा जाता है। उसके अलावा न्यायपूर्ण राजा कुरान खान, है ना? कुरान खान कहा जाता है इसको, कुरान खान कहा जाता है, है ना? न्यायपूर्ण राजा कहा जाता है, न्यायपूर्ण राजा कहा जाता है, ये सारा इसका उपाधि है, ध्यान रखिएगा। हालांकि उपाधि ये लोग अपने से ले लेते थे, इनको किसी को देने की जरूरत नहीं होती थी, ये लोग इतना कैपेबल होते थे कि अपने से अपनी उपाधि ले लेते थे। पीर बख्श कहा जाता है, बिल्कुल पीर बख्श भी इसको कहा जाता है, एग्जैक्टली पीर बख्श भी लिख लीजिएगा, ठीक है ना?
जल्दी से इसको लिखिए तब हम लोग आगे बढ़े। हाँ सर, हातिम द्वितीय लाख बक्स है ना, लाख बक्स जगह नहीं है, आप लोग लिख लीजिए, मैंने बोल तो दिया ही ना, लाख बक्स लिख लीजिए। ठीक है, जहाँ खास तौर पे हातिम द्वितीय, और हातिम का मतलब ही होता है चंद्रमा, ठीक है ना। तो चंद्रमा, सेकंड चंद्रमा अपने आप को कहता था, इस्लाम में चंद्रमा को सबसे बड़ा दर्जा दिया जाता है, आप जानते ही होंगे, चंदा मामा को सबसे बड़ा। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगले अगले टॉपिक की तरफ आ जाओ। आगे अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक हम लोग कहाँ थे, इल्तुतमिश। तो अब इल्तुतमिश को दिल्ली की सत्ता पर बैठाएंगे, जिसको दासों का दास कहते हैं। और प्यारे भाई, इल्तुतमिश सत्ता पर बैठेगा और एक नया वंश का स्थापना करेगा, जिसका नाम होगा शमसी वंश। प्यारे भाई, इल्तुतमिश सत्ता पर बैठेगा और ये शमसी वंश का स्थापना करेगा। और प्यारे भाई, हम आपको बता दें कि इल्तुतमिश इल्तुतमिश ही होगा, इल्तुतमिश के बारे में आप कोई कुछ कह दे ये ठीक बात नहीं है। इल्तुतमिश ने सत्ताओं को बड़ा तरीका से मैनेज किया, और सबसे पहले अपनी राजधानी को ये लाहौर से उठाकर लाया दिल्ली। कहाँ पे प्यारे भाई, दिल्ली। और बोला कि देखो भाई, अब तो ये सब नहीं चलेगा, मुझे सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आई एम द रूलर ऑफ दिल्ली। मैं नहीं जानता हूं कौन है, और मैं ये ना तो गोरी को जानता हूं, ना ऐबक को जानता हूं। दिल्ली के हाथ, दिल्ली की सत्ता मेरे हाथों में मिली है, तो मैं पूरे भारत का राजा हूं, और मैं पूरे भारत को मैनेज करूंगा, जिसको जो करना है कर ले, हमें फर्क नहीं पड़ता जी। बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है। तो इल्तुतमिश ने दिल्ली की सत्ता को संभाला, और दिल्ली की सत्ता संभालते हुए अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली लाया, लाहौर से दिल्ली लाया, ध्यान रखिएगा। और इसी को कहा जाता है, इतिहासकार हमारे कहते हैं, मुस्लिम साम्राज्य का अस्थाई संस्थापक भी इसी को कहा जाता है। इस अस्थाई कहिए और वास्तविक भी, कई कई इतिहासकारों ने कहा है कि वास्तविक संस्थापक इसी को कहा जाता है। प्रॉपरली इसने अपनी सत्ता को मैनेज करने के तरीकों को स्टार्ट कर दिया था। मेरे मैपिंग पे आप मत जाइएगा, आपसे ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं मैपिंग सो छोटे तौर पर देता हूँ, ठीक है ना। इसने कई सारे कार्य शुरू किए। इसने सबसे पहले, इल्तुतमिश बहुत ही समझदार था, है ना, इल्तुतमिश ने सबसे पहले चालीसा चहलगाने तुर्क प्रक्रिया शुरू किया। वो चहलगाने तुर्क प्रक्रिया क्या होता है, इस भारत में चाल, जहां तक दक्षिण भारत को तो छोड़ ही दीजिए, दक्षिण भारत तो इनके हिस्से में नहीं आता था, तो इनको हटा दीजिए, उसके अलावा भारत में जितने इसके क्षेत्र में आते थे, इसको 40 टुकड़ों में बांटा, 40 टुकड़ों में बांटा, और 40 तुर्क सरदारों को दे दिया। कहाँ इसके प्रमुख कौन होंगे, 40 तुर्क सरदार होंगे। इसको कहा जाता है चहलगाने तुर्क या चालीसा। और खुद दिल्ली पर बैठ के यहाँ बैठ गया, और यहाँ पे बैठ के कहा कि तुम सभी लोग रिपोर्ट हमको करोगे, यानी सबका मालिक कौन है, ये है, और ये लोग को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। इस प्रक्रिया को कहा जाता है प्यारे भाई चहलगानी, यानी इसने क्या स्टार्ट किया, चहलगानी, चहलगानी ये तुर्क, चहलगानी ये तुर्क इसने शुरुआत किया, इसको चहलगानी ये तुर्क कहते हैं, ध्यान रखिएगा, चहलगानी ए तुर्क, चहलगानी ये तुर्क कहते हैं, है ना। इसको कहीं कहीं चालीसा भी कहा जाता है, चालीसा भी कहा जाता है। तो प्यारे भाई, दोनों को ध्यान रखिएगा, चालीसा शुरू किया। इससे होता क्या है कि राजा बड़ा अच्छे से दिल्ली में ही बैठकर, है ना, दिल्ली में बैठकर क्या कर लेगा, पूरे भारत में जहां तक साम्राज्य है उसको कंट्रोल कर लेगा। बहुत अच्छी पॉलिसी है, होना भी ऐसे ही चाहिए, यही तरीका भी होता है, यही तरीका भी होता है। और यहाँ पे इक्ता व्यवस्था की भी शुरुआत इसने किया था, ये पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखेंगे, इक्ता व्यवस्था की भी शुरुआत इसी ने किया है। ध्यान, इस सारा लिख देता हूं मैं। दिल्ली की सत्ता पर बैठने के बाद दिल्ली को अच्छे से संभाला, अपने अंग्रेजी, अपने इस्लामिक साम्राज्य को स्थापित करने के लिए अपने प्रभुत्व को धीरे 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 आगे बढ़ाने लगा। और आगे बढ़ाते वक्त इसने कई तरीके को कहा, चैन ऑफ जस्टिस, जिसको आप लोग न्याय की जंजीर कहते हैं, इसने अपने साम्राज्य में न्याय की जंजीर बनाया, और कहा कि यदि जनता को किसी तरह का कोई समस्या हो तो मैं हूं, तुम हमें बताना, मैं न्याय की जंजीर, तुम खटखटाना, और न्याय की जंजीर जैसे ही खटखटाएगी, मैं रात को ही उस मसले को सुनकर सुलटा दूंगा। यानी इल्तुतमिश मोटे तौर पर ये मूड में था कि अब मैं अपने साम्राज्य, अपने इतिहास को इस तरीके से रच दूंगा कि ये दुनिया मुझे इस्लामिक साम्राज्य की वास्तविक संस्थापक के तौर पर जानेगी, पहचानेगी। और ये बखूबी करता भी है, यदि आप इसके हिस्ट्री को देखते हैं, तो ये नया तरीका अपना लेना आम बात नहीं होता है, ध्यान से समझिएगा, नया तरीका अपना लेना आम बात नहीं होता है, बहुत ही मुश्किल काम होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए, तो चहलकानी तुर्क हो गया। इल्तुतमिश ने बहुत सारे काम किए, इसके अलावा इसने अपने यहाँ क्या बनाया प्यारे भाई, तो उसने अपने यहाँ एक सेना का अलग विभाग बना दिया गया, उसमें एतमाद मुल्क अभी लिखवाऊंगा मैं, एतमाते मुल्क उस सेना विभाग के सबसे बड़े अधिकारी हुए। इसने अपना सेना का एक अधिकारी डिपार्टमेंट बना दिया, सेनाओं को आइडेंटिफाइड कराया, इसने अपने घोड़ों को, अपने सेनाओं को आइडेंटिफाइड कराया कि कौन लोग हमारे सेना में है, कौन लोग हमारे सेना से बाहर है, कोई चाह कर भी हमारे सेना में क्या कर पाए,
सिंध नहीं मार पाए इसलिए उसने ऐसा किया। पहले भाई उसके अलावा इसने क्या किया कि अपने गुप्तचर विभाग, गुप्तचर का मतलब जैसे आज के डेट में भारत का सीबीआई है, वैसे उस वक्त हर राजाओं का एक गुप्तचर होता। दैट मीन्स गुप्तचर विभाग का मतलब होता है कि उनके सीबीआई, उनके गुप्तचर, दूसरे दूसरे राजाओं की जानकारी लेकर आना जो उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, ये सारे विभाग को उसने बनाया। अब आप इससे समझ गए होंगे कि वो कितना तेज तराज और कितना समझदार आदमी था, है ना। इसने दो सिक्का जारी किया, टंका और जीतल, ये भी चर्चाओं में रहा। इसके अलावा इसी के समय में तराइन का तृतीय वार हुआ। मैंने आपको थोड़ा सा इतिहास में पहले बताया था कि गोरी के तीन दामाद हुआ करते थे एबक के पहले। ध्यान से पहले कहानी सुन लो, फिर सब लाइन से लिखवा देंगे। तो एबक के एल्दौज और कुबाचा, ये तीन दामाद हुआ करते थे। तो ध्यान से सुनो, एल्दौज कहाँ था प्यारे भाई, एल्दौज कहाँ प्यारे भाई था, तो एल्दौज था अफगानिस्तान में। कुवाचा कौन था प्यारे भाई, तो कुवाचा को सिंध दिया हुआ था। बेसिकली हुआ क्या कि एल्दौज के ऊपर यानी अफगानिस्तान में अटैक हुआ चंगेज का, चंगेज खां का। मंगोल आक्रांता था चंगेज खां को, और एल्दौज चंगेज खां के पीछे भागते भागते आया। चंगेज खां बहुत ही मजबूत शासक है। आगे हम बाबर पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि कैसे चंगेज खां के वर्चस्व का प्रक्रिया आप बाबर के ऊपर दिखता है, और बाबर कैसे भारत के साम्राज्य में स्थापित हुआ, ये सब हम उस दिन कहानी बताएंगे। तो अभी इसको समेट लीजिएगा मेंटली, मेरे एक एक लाइन को यदि आप नहीं सुनेंगे आपके दिमाग से कहानी स्किप कर जाएगा। जो लोग अभी देख रहे हो और बाद में देखेंगे, उन सब से मेरा नम्र निवेदन है कि मेरे क्लास को रेगुलर करिएगा और वन बाई वन क्लास करके, नहीं तो मैं कहानियों की तरह बताता हूँ और बाद में आपका कहानी मिस हो जाएगा तो कोई बात नहीं बनेगा। तो प्यारे भाई, चंगेज खां कहाँ पे अटैक किया था, अफगानिस्तान में एल्दौज के पास, और एल्दौज के पास अटैक किया था। तो एल्दौज भागता 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 आया और अटैक करने इल्तुतमिश के पास। तो तराइन का तृतीय वार भी अभी होगा इसी के समय में, शमसी वंश के इल्तुतमिश के शासनकाल में ही, इसके बारे में भी हम बताएंगे। आज पूरा शमसी वंश के साथ साथ ही सारा निपटाने का कोशिश करेंगे, हम खिलजी तक लेकर चले जाएंगे। स्पीड ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग इल्तुतमिश के बारे में जो मेन मेन काम है वो सब हम लोग लिख देते हैं। इसने न्याय के जंजीर बनाया, इसने इसने इकता प्रथा शुरू किया, ये सब लिख लीजिए, ये सब लिख लीजिए। ये सब लिखा तो नहीं, नहीं लिखा, आइए ये सब लिख लीजिए फटाफट। इसने क्या क्या किया था, न्याय का जंजीर बनवाया, लिख लीजिए न्याय का जंजीर, मेड ऑफ जेन, है ना, न्याय का जंजीर बनवाया, लिख लीजिए मेन मेन जो काम है बनवाया। उसके अलावा इसने क्या किया, भारत में एकता प्रथा शुरू किया, भारत में एकता प्रथा शुरू किया, एकता प्रथा शुरू किया था। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आता है, एकता प्रथा की शुरुआत किया, ठीक है, जो जो लिखवा रहे हैं लिख लीजिएगा। अच्छा स्पीड ज्यादा लगे तो एक बार आप हमसे पूछिएगा, हम प्रयास करेंगे आपको फिर से दोबारा समझाने के लिए, लेकिन स्पीड को रखना ही पड़ेगा। चलिए लिख लीजिए जल्दी जल्दी, एकता प्रथा की शुरुआत करा है। इसने दो सिक्का जारी किया, टंका और जीतल, कितने प्यारे भाई, दो सिक्का जारी किया, इसको भी अगले पेज में लिख देंगे। जल्दी से आप इसको लिख लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हालांकि इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, नहीं भी लिखिएगा तो काम बन जाएगा। प्रीति यादव हेलो, एक बार आप लोग रिस्पॉन्ड करिए, क्या रहा, कैसा लग रहा है, है ना, एकता प्रथा क्या होता है। कौन है, संध्या राजवाड़े, बेसिकली एकता प्रथा होता था, सैनिकों को दिया जाता था एकता, है ना, और वो बेसिकली गोरी ने वर्ल्ड वाइड शुरू किया था, इंटरनेशनली गोरी ने शुरू किया था, भारत में इसने शुरू किया। इसका नाम कौन था, इसका नाम क्या था, मनीष कश्यप हेलो भाई, इसका नाम क्या था, इल्तुतमिश था, ठीक है ना। चलिए आगे, चलिए हो गया क्लियर, सर सर तराइन के युद्ध तो हो चुका है भाई, तराइन का द्वितीय युद्ध हो चुका है, ये तृतीय युद्ध होगा, तराइन का तृतीय युद्ध होगा, ध्यान रखिए। वो किसके बीच में होगा, तो एल्दौज और इल्तुतमिश के बीच में होगा, अभी हम बताएंगे। अजीत सिंह कह रहे हैं बहुत अच्छा सर, साक्षी दुबे टंका और जीतल कॉइन, बिल्कुल एग्जैक्टली टंका और जीतल। तो चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट में बढ़ा जाए। चलिए तो थोड़ा सा फैक्ट्स फटाफट लिख लीजिए जो जो जरूरी, अरे मैंने यहां से एक पेज खोल लेते हैं, ध्यान रखिएगा इल्तुतमिश के बारे में हम लोग लिख रहे हैं, इल्तुतमिश जो जो एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसने दो सिक्का जारी किया, क्वाइन, क्वाइन यानी सिक्का, है ना, उसका नाम क्या था प्यारे भाई, टंका और जीतल, किस क्या था, टंका और जीतल, बता दो टंका और जीतल, टंका किस चीज का था, जीतल, जीतल तांबा था, टंका चांदी था, ये तांबा था प्यारे भाई, तांबा पूछ देता है, और ये क्या था, चांदी था, ध्यान रखिएगा ये पूछा जा सकता है। ये हो गया क्वाइन यानी सिक्का, और उसके अलावा मेन मेन 1215 में बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा मेन मेन क्या है, उसके अलावा इसके समय में तराइन का तृतीय वॉर युद्ध हुआ, है ना, तृतीय वॉर युद्ध हुआ। दो तीन पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मैं मैप बनाकर उसके बाद बता देता हूं।
ठीक है ना, तराइन ये दिल्ली है और ये हरियाणा है। हरियाणा कौन आया था, एल्दौज इधर से भागते हुए आया था, कौन, एल्दौज, एल्दौज, एल्दौज भागते हुए आया था। एल्दौज के पीछे कौन लगा था, तो चंगेज खान, लिख देता हूं मैं, चंगेज खान। चंगेज खान के साथ भागते भागते एल्दौज आया कहाँ पे प्यारे भाई, भागते 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 आया यहाँ पे, और यहाँ पे तराइन का तृतीय युद्ध होता है, तराइन का थर्ड वार, तृतीय, मैं मैप बना दे रहा हूँ ताकि याद हो जाएगा, तृतीय युद्ध होता है प्यारे भाई। और तराइन का तृतीय युद्ध कब होता है जल्दी बताओ, किस किस के बीच होता है और कब होता है, कौन लोग बताएंगे, तराइन का तृतीय युद्ध किस किस के बीच होगा और कब होगा जल्दी बता दो, कौन कौन बताएगा, तराइन का तृतीय युद्ध, सेकंड वॉर तो सबने देखा होगा, तराइन का तृतीय युद्ध 1215, 1215 सबको पता होगा, नहीं पता हो तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे 1215, और किस किस के बीच में हुआ है यह भी लिख देते हैं, ये किसके किसके बीच में हुआ है, तो एल्दौज, एल्दौज कौन था ये बता चुका हूं मैं, गोरी का दामाद, एल्दौज वर्सेज क्या हुआ, इल्तुतमिश हुआ, और इल्तुतमिश ने हरा दिया, इल्तुतमिश ने किसको हरा दिया, एल्दौज को हरा दिया। हालांकि इल्तुतमिश का लक ठीक था, यदि चंगेज खान भारत तक आ जाता तो कांड हो जाता, चंगेज खान आ जाता तो इल्तुतमिश की इतनी ताकत नहीं थी कि चंगेज खान को रोक ले, ध्यान रखिएगा। तो तराइन के तृतीय युद्ध के बारे में भी लिख लीजिएगा, तराइन, तराइन का तृतीय युद्ध, कहाँ किस किस के बीच कब हुआ, 1215 में, किस किस के बीच में हुआ, खैर मैंने वहां लिखा है मैप में, लेकिन फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, एल्दौज वर्सेस, एल्दौज वर्सेस क्या है, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक कहते हैं, ये तो मैंने बता दिया, और दो तीन विद्रोह इसके समय में और हुए हैं उनको भी लिख लो, इसके समय में दो तीन विद्रोह हुए हैं वो भी लिखना बहुत जरूरी है प्यारे भाई, वो भी लिख लो। एक है अवध का विद्रोह इसी के समय में, अवध का विद्रोह इसी के समय में, अवध का विद्रोह, बंगाल का विद्रोह, बंगाल का विद्रोह इसी के समय में हुआ था, मेरा हाथ थोड़ा स्पीड चल रहा होगा, हालांकि आपका चलना चाहिए, लेकिन टंका चांदी था, टंका चांदी था तो लिखे तो हैं। अवध में पितरू का विद्रोह, ग्वालियर में अटैक हुआ था ध्यान रखिएगा, बंगाल में ग्यासुद्दीन ने विद्रोह किया था, है ना, ठीक है ना, क्लियर यहां तक। अब लिखो एक आदो, इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान रखना, इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि, ये मैं अलग टैब बना देता हूँ, ये टैब अलग है, है ना, सब टैब अलग बना देता हूँ ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना, ये टैब अलग है ध्यान रखिएगा, ये वाला टैब अलग है, यहां तक आ जाएगा ये, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा, और ये टैब अपना अलग है, तराइन के द्वितीय युद्ध, इल्तुतमिश ने, लिख लीजिए, इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, इल्तुतमिश ने खुद से सुल्तान की उपाधि धारण की, इल्तुतमिश ने सुल्तान की, तो पूछेगा प्रश्न आपसे कि सुल्तान की उपाधि किसने धारण की, तो इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि धारण की, ध्यान रखिएगा, सुल्तान की उपाधि धारण की, मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं, ये मत समझिएगा कि मैंने आपके एक भी पॉइंट आपका नहीं छोड़ा है, लगभग लगभग सारा समेट कर बता दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, जल्दी जल्दी डाल लीजिए, आगे देखते हैं अगला, आगे का शमसी वंश के बारे में देखते हैं, शमसी वंश 1210 से 1265 तक रहा, 1210 से लेकर 1265 तक रहा, ठीक है, चलिए बारह सौ दस से 1265 हो गया, सभी लोग लिख के बताइए हमको, बारह से दस से 1265 क्लियर, यस सर डन, बारह से अपर्णा करिए, 1211 से, अरे भाई 1210 ही मानिए ना, 11 नहीं होगा, अब 10 से 11 में क्यों कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, आराम सा बहुत दिन तक शासक नहीं रहा था वो, बेसिकली मैनेज्ड बाय द इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश का नाम 1210 से 65 मानिए, 66 नहीं, अपर्णा जी चलिए डन, आइए अब आगे बढ़ते हैं, इल्तुतमिश के बारे में कहानी, इल्तुतमिश के कुछ बच्चों के बारे में कहानी जानना बहुत जरूरी है, शायद इल्तुतमिश इसने मैप पे बनाया है कि नहीं बनाया है देखता हूँ मैं, गुलाम वंश आ गया ये, अच्छा काफी चीज छोड़ दिया है इसने, कोई बात नहीं, मैंने तो ज्यादा बनवाने का सोचा था, कोई बात नहीं, इल्तुतमिश था, ध्यान रखिएगा, आइए अब हम लोग पढ़ लेते हैं, ध्यान से रखिएगा, इल्तुतमिश के बाद कौन आएगा, इल्तुतमिश के बच्चे, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, ध्यान से सुनना, एक छोटा सा स्टोरी हम बता देते हैं और स्टोरी के बाद हम सब लिखवा देंगे, ठीक है ना, स्टोरी लिखवा देंगे प्यारे भाई, 1236, 1210 से 1236 तक शासन इल्तुतमिश ने किया था, सर मेरा नंबर इधर से उधर हो रहा है, प्लीज हेल्प मी, गुड्डू जी अभी रुक जाइए, अभी प्लीज मत डिस्टर्ब किए, 1210 से 36, ठीक है ना,
1236 में सडनली इल्तुतमिश की होती है तबीयत खराब। और प्यारे भाई तबीयत खराब होने के बाद इल्तुतमिश सोच में पड़ जाता है कि मेरी सत्ता को मैनेज करने वाला कौन है। तो इल्तुतमिश के लगभग 4 लड़के थे, लेकिन उसको इस बात का पता था बहुत ही मजबूत शासक 1210 तक 10 से 36 तक 1236 तक सत्ता को संभालने वाला शासक कोई आम शासक तो नहीं ही होगा। तो मतलब सोच में पड़ गया इल्तुतमिश कि भाई अब कैसे मैनेज होगा, कोई ऐसा हमारा लड़का नहीं है जो मेरे सत्ता को संभाल पाए, हम भी खत्म हो जाएंगे क्या कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह, आराम शाह की तरह हम भी खत्म हो, हम भी आराम शाह की तरह खत्म हो जाएंगे क्या कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद। तो इल्तुतमिश को ध्यान आया कि मेरी एक बेटी है, इसका नाम रजिया सुल्तान है। उसका तबीयत खराब था, बेड पे था। इल्तुतमिश अपनी बेटी रजिया सुल्तान को बुलाता है, हाथ में हाथ डालकर कहता है कि मैं जानता हूं कि मेरे बेटे निकम्मे हैं और तुम ही मेरी लायक हो। यदि मेरे सत्ता का कोई सबसे बड़ा हिस्सेदार होगा तो उसका नाम भी रजिया सुल्तान है, और मेरी सत्ता को चलाने का कोई सबसे ज्यादा काबिल व्यक्ति है तो मेरे चारों बेटों से बढ़िया मेरी एक बेटी है, इसका नाम रजिया सुल्तान है। लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि मेरा समाज तुम्हें मतलब खुदा खुदा कह रहे हैं, मेरा खानदान तुम्हें सुल्तान बनने से तो ये भी जानता था वो। इल्तुतमिश बहुत ही उसको पता था, उसने सत्ता देखा था ना, तो राजा को एवरी थिंग नोज अबाउट द रूलरशिप की कैसे मैनेज होता है और कैसे क्या होता है। इल्तुतमिश बहुत चिंतित था। अंतिम समय में रजिया के हाथों में हाथ डालकर बोला कि मैं जानता हूं कि काबिल तो तुम हो, लड़के मेरे काबिल नहीं है, लेकिन शायद ये लोग माने या ना माने। और इस्लाम में ऐसा रहा है, कोई माने या ना माने, लड़कियों को उतना तवज्जो नहीं दिया जाता था रूलरशिप के मामलों में। 40 तुर्क सरदार जो थे, मैंने बताया था ना 40 क्षेत्रों में, 40 क्षेत्रों में 40 40 क्षेत्र बांटा हुआ था और 40 तुर्क सरदार। जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु हुई और रजिया सुल्तान का नाम आया, ये 40 तुर्क सरदार सबसे पहले खिलाफ हो गए कि यदि कोई लड़की आज तक नहीं बनी, ऐसे कैसे लड़की बन जाएगी इस्लाम में। और ये लोग मतलब परेशान हो गए। दरबार के लोग जो इल्तुतमिश के दरबार के मंत्री थे, वो लोग रजिया सुल्तान का खिलाफत करने लगे। क्या कहिएगा, है ना? अनीस कह रहे हैं नोट्स नहीं बन रहा है ऐसे। अनीस जी मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा। तो ये बात सोचने में पड़ गए। अनीस प्लीज डोंट, समझिए थोड़ा सा, आप ही लोग के लिए ना कर रहे हैं भाई, हम अपने लिए कर रहे हैं। आई विल ट्राई कि आप लोगों का जल्दी सिलेबस हो जाए, आप लोगों का कुछ कॉन्सेप्ट ना छूटे। मैंने क्लास में इतने फैक्ट्स बता दिए और पढ़ा दिए हैं कि आप यदि मेरे क्लास को दो बार देख लीजिएगा तो आपके एग्जाम से एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, प्रॉमिस टू यू, है ना? तो चलिए ध्यान से सुन लीजिए। तो रजिया सुल्तान, और पता था इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, और इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद है ना इसका एक लड़का था, इसका नाम क्या था प्यारे भाई? इल्तुतमिश की मृत्यु रुकनुद्दीन फिरोज शाह, है ना? इसका एक लड़का था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। अब पहले लिख लेने दीजिए पूरा, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, और उसके बाद आप लोग इसको क्या करिएगा, फिरोज शाह, उसके बाद आप लोग इसको लिखिएगा, इसके बाद रजिया सुल्तान, फिर मैं कहानी बताऊंगा। पहले सभी लोग लिख लीजिए इसको, ठीक है ना? जैसे मैं लिख रहा हूँ, फिर कहानी आप लोग को मैं पूरा लिखवा दूंगा। उसके बाद इसका एक लड़का था, इसका नाम क्या था, कलर बदल लेता हूँ नहीं तो मजा नहीं आएगा। रजिया सुल्तान इसके बाद बनी, है ना गाइस प्लीज। इसके बाद क्या था, है ना, मुइजुद्दीन बहराम शाह, मुइजुद्दीन बहराम शाह, मुइजुद्दीन बहराम शाह। इसके बाद इसका एक और लड़का था, उसका नाम क्या था, अलाउद्दीन मशहूद शाह, मशहूद शाह। इसके बाद इसका एक और लड़का था प्यारे भाई, इसका एक और लड़का था, उस अंतिम लड़का, उसका नाम क्या था प्यारे भाई, नासिरुद्दीन मशहूद शाह, नासिरुद्दीन मशहूद शाह। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको पूरा कवर कराने का। रुकनुद्दीन फिरोज शाह कब से कब तक रहा, तो ध्यान रखिएगा रुकनुद्दीन फिरोज शाह का जो ईयर था, है ना उस वाले, चलिए रुकनुद्दीन फिरोज शाह क्या नोट क्या था इसका, 1236 से 1236 से 36 1236 से 36 1236 से 40 मुइजुद्दीन बहराम शाह जो थे वो भी रहे काफी देर तक, रहे ये भी 1200 मुइजुद्दीन 1240 से 42, है ना 1240 से 42, ध्यान रखिएगा 1240 से 42। उसके बाद 1242 से 46 ये रहे, और उसके बाद 1246 से लेकर के प्यारे भाई कब तक रहे नासिरुद्दीन मशहूद शाह, सब लोगों ने लिख लिया क्या, 46 से 65 तक रहे, 65 तक
जल्दी से इसको लिखिए, और फिर मैं छोटा छोटा कहानी इसके बारे में बता दूंगा ताकि आपको याद हो जाए, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से इसको लिख के सभी लोग बताइए क्या लिख लिया है आप लोगों ने। फिरोज शाह कौन था? फिरोज शाह कहाँ, रुकनुद्दीन फिरोज शाह बेटा ही था भाई, बेटा ही था। ये भी एक एक दो तीन चार, ये चारों बेटा है और ये बेटी है ना, ये बेटी है, ध्यान रखिए, बेटी, बेटा, 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 ये सब बेटा थे किसके? इल्तुतमिश के। फटाफट कर लीजिए। अनीस प्लीज भाई मेरे, ठीक है ना, जल्दी से लिखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिख के बताइए तुरंत। लिखिए, लिख कर बताइए। साउंड पर ध्यान दीजिए सर, नगेंद्र कह रहे हैं साउंड पर हुआ। आरती जी प्लीज, साउंड क्लियर नहीं है क्या, एक बार बताइए ना। साउंड इज नॉट ओके, साउंड इज ओके और नॉट, हमें तो लग रहा है साउंड क्लियर है, हमें दिखा रहा। चलो चलिए, हमारे क्लियर है रिंकी भारती सर, साउंड ठीक है। चलिए, तो आप लोगों के फोन में इशू होगा ना। अनिश करण सर आप बहुत अच्छा समझा रहे हैं। चलिए हो गया सबका क्लियर, थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करना है बिकॉज ऑफ एग्जामिनेशन। कभी आराम से पढ़िएगा मेरे से, फिर जीवन में कभी आप मेडाइवल हिस्ट्री नहीं। इसी में मैंने इतना बता देता हूँ कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा यदि आपने मन से हमारा पढ़ लिया तो। माइक तो ठीक है, माइक भाई 30,000 का माइक है, ऐसे कैसे खराब हो जाएगा। हाँ उनके, चलिए तो आगे बढ़ा जाए, क्लियर टू एवरीवन। तो देखो भाइयों ध्यान से रुको, तो ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह लड़का था, इसको जो 40 तुर्क सरदार थे उन लोगों ने इनको बैठा दिया सत्ता पे, है ना। जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु हुई इनको सत्ता पे बैठा दिया गया, लेकिन पता था काबिलियत है नहीं, 36 से 36 तक ये रहे, कुछ ही दिनों के बाद इनको हटाना पड़ा, है ना। चलिए ज्वाइन करता रहा, अगला बार 1236 से 40, उसके बाद आया रजिया सुल्तान का बात। रजिया सुल्तान का नाम उठने लगा कि भाई रजिया सुल्तान को सुल्तान बनाओ, सुल्तान बनाओ, सुल्तान बनाओ। क्योंकि भाई मामला क्या था प्यारे दोस्त, मामला ये था कि रजिया सुल्तान को इल्तुतमिश ने कहा, इसलिए इल्तुतमिश की बात आने लग गई और रजिया सुल्तान को क्या बनाया जाने लगा, ध्यान रखिएगा, रजिया सुल्तान को बनाया जाने लगा सुल्तान बनाया जाने लगा 1236 से 40 तक। जैसे ही ये सुल्तान बनी तो कुछ यहीं पे शॉर्ट में लिख दें या बताइए, तो रजिया सुल्तान का विरोध करने वाले कौन लोग थे आपको बता दें। विरोध सबसे पहले 40 तुर्क सरदार, 40 तुर्क सरदार, ये बेचारी के बारे में क्या नहीं कहा गया, इस रजिया सुल्तान के बारे में, इस प्रथम महिला सुल्तान के लिए सैल्यूट है कि बेटियों की प्रतिष्ठा को इसने रखा, लड़की होते हुए औरत होते हुए भी साम्राज्य को संभाला, सबसे मजबूत सत्ताओं में अपने भाइयों से बेहतर थी ये लड़की। जब भी कोई समाज, कोई इंसान, कोई व्यक्ति महिला लड़की के खिलाफ बोलता हो तो उसको धिक्कारिएगा और बताइएगा कि इस देश की मिट्टी की तासीर ऐसी रही कि रजिया सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी जैसे महिलाओं को इसने देश, इस देश ने दिया है, उस देश में लड़कियों और महिलाओं के बारे में कोई कैसे कुछ भी सोच सकता है, कमजोर है ये, कमजोर नहीं सबसे ज्यादा मजबूत है प्यारे भाई, ध्यान रखिएगा। ये रजिया सुल्तान थी 36 से 40 तक, पूरा 40 तुर्क सरदार, मंत्री लोग इसके खिलाफ थे, गलत गलत बात, इसका इसका जो घोर घोड़सवारी सिखाने वाले था उसके साथ गलत संबंध, किसका उसका संबंध गलत है, बहुत नयन ब्लंडर, बहुत सारा ब्लंडर हुआ। बाद में इसका अल्तुनिया के साथ गलत संबंध बनाया जाने लगा, बताया जाने लगा, तो इसने अल्तुनिया से शादी कर लिया, तो इसके पति का नाम क्या है प्यारे भाई, अल्तुनिया, पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए अल्तुनिया। हुआ क्या, 1940 में, बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ इसके बारे में, बहुत डिटेल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जहां जहां से क्वेश्चन पूछता है उसी को बताते हुए, कवर करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना, उसी को बढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। इसका अलग अलग नाम है थोड़ा, उसको लिख लीजिएगा, उमदत उल्लिसवा, इसका उमदत उल्लिसवा इसका एक पद हुआ करता था, ध्यान रखिएगा, उमदत उल्लिसवा इसका उपाधि है, उमदत उल्लिसवा किसको कहते हैं, तो रजिया सुल्तान को, लिख लीजिए इसका उपाधि क्या है, उमदत उल्लिसवा, उमदत उल्लिसवा, उमदत उल्लिसवा, इसको लिख लीजिए प्यारे भाई, उमदत उल निस्वा। अच्छा कोई इसमें है क्या जो बता रहा है कि सर जल्दी जल्दी कीजिए नेक्स्ट क्लास है, तो आपको ज्यादा दिक्कत है ना, तो हम तो छोड़ के नहीं सर, सरदार वुमेन के सामने झुककर काम नहीं करना चाहते थे।
हाँ वही बात है, झुककर लेकिन गलत बात है, उमन तो शक्ति का है। शेखर कह रहे हैं सर फर्स्ट फास्ट सर नेक्स्ट क्लास 4 बजे, तो हम आपका नेक्स्ट क्लास आप कर लीजिएगा ना शेखर जी, छोड़ देंगे हम, क्यों जी चिंता कर रहे हैं। चलिए तो ध्यान रखिएगा आगे क्या हुआ, ध्यान रखेंगे इसके बाद इसका कर्मचारी लोग था अमीरे हाजी बेतगीन, अमीर आखुर, इन सब की बात की जाती है। इसका वजीर था वो भी बड़ा जुनेदी है ना, इसका एक वजीर हुआ करता था, वजीर, ओहो, इसका एक वजीर था, वजीर, इसका वजीर था एक जुनेदी, लिख लीजिएगा वजीर जुनेदी, इसका हम भेज देंगे जुनेदी, इसका वजीर था जुनेदी। इसके संग भी गलत संबंध की बात कहा गया, लेकिन ये कोई गलत संबंध नहीं था, और इसके बारे में चर्चा तो गलत गलत होती रही, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है। गलत दुनिया को ना, दुनिया को आदत है, जो आपसे बराबरी नहीं कर पाएगा वही आपकी क्या करेगा, आपकी खामियां निकालेगा, जो आपके बारे में बोलेगा। तो जब आपके बारे में गलत बोला जाए ना, तो कभी ये मत सोचिएगा, आप इसके बारे में गलत नहीं सोचिएगा सर, उपलब्ध नहीं, उपाधि उमदत उल निस्वा के नाम से जाना जाता था, उनको डेजिग्नेशन दिया गया था, जैसे डीएम साहब को डीएम बोला जाता है, उनका प्रॉपर नाम अलग है, डीएम अलग है, इसी तरह इन्होंने उमदत उल निस्वा अपने उपाधि को धारण किया था, ठीक है ना। गुड जो है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आइए देख एक बार ध्यान से सुनते हैं। अब ये रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बारे में गलत गलत बातें फैलाया जाने लगा है ना, इसके पति थे अल्तुनिया। हुआ क्या कि एक पंजाब में एक बार अटैक हुआ, और प्यारे भाई जब पंजाब में अटैक हुआ ना, तो पंजाब में अटैक में ये रजिया सुल्तान अपने अल्तुनिया पति के साथ पंजाब में अटैक आक्रमण हुआ था, उस आक्रमण को मामला को निपटाने गई थी। उसी टाइम में हुआ क्या कि दिल्ली में बैठे हुए मंत्रियों और 40 तुर्क सरदारों ने एक अपनी कमेटी बनाई, मतलब एक सोच समझ के रणनीति बनाई, और आते वक्त हरियाणा के कैथल में पति और पत्नी यानी अल्तुनिया और साथ में रजिया सुल्तान दोनों को मरवा दिया। तो 1240 में कैथल हरियाणा में इनकी मृत्यु हो गई है ना। कब मृत्यु हुआ था प्यारे भाई, तो लिख लीजिए एक पॉइंट, ये काम का है कि रजिया सुल्तान 1240, 1240 में पंजाब, पंजाब विद्रोह को दबाकर लौटते वक्त, लौटते समय रजिया सुल्तान, पता नहीं मर्दों को क्यों ऐसा होता है, एवं उनके पति अल्तुनिया को हरियाणा के कैथल में मार दिया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है, हरियाणा के कैथल में मार दिया गया, हरियाणा, चलिए हो गया क्लियर, हरियाणा के कैथल में मार दिया गया, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद इनका भी सत्ता खत्म हो गया, ठीक है चंदन जी, एग्जैक्टली सब लोगों ने क्लियर हो गया यहां तक, आइए हो गया क्लियर यहां तक, तो बताइए आगे हम लोग बढ़ा जाए। देखिए हम अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए अपना करिए, ओके तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये इसके बाद इसका एक भाई और था मोइनुद्दीन बहरान साहब, 1240 से 42 में बना, और ये ऐसा पगला था कि इसको बनाया सब मालिक, मतलब इसको राजा बनाया सब, सुल्तान बनाया सब, और एक नया पोस्ट बनवा दिया, उसको बोलते हैं नाइबे ममलिकात, यानी ऐसा था कि राजा बकलोल की तरह बैठा रहेगा, और नाइबे ममलिकात जो प्रधानमंत्री होगा, नाइबे ममलिकात वो क्या करेगा, वो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करेगा। अब राजा को बकलोल बन गया, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़े लिखे कह दें काबिल नहीं थे, तो काबिलों का क्या होगा। तो मुइनुद्दीन बहराम शाह चला कुछ दिन तक, 1240 तक, 42 तक, फिर इसके दूसरे भाई को बना दिया सब 42 से 46 तक, उसके बाद उसका सबसे अंतिम बेटा बना जिसका नाम नासिरुद्दीन मसूद शाह। और नासिरुद्दीन मसूद शाह प्यारे भाई थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे, नासिरुद्दीन मसीद शाह, मसूद शाह जो, एक सेकंड रुकिए, नासिरुद्दीन मसूद शाह इसी में बता देते हैं कहां गए, रजिया के बारे में जिसमें बताया था मैंने, नासिरुद्दीन मसूद शाह अंतिम शासक है ना, नासिरुद्दीन मसूद शाह थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे, मसूद शाह, नासिरुद्दीन मसूद शाह कब से कब तक बना प्यारे भाई, तो मैंने आपको बताया है 1242 से 45
तक, 1242 से 65 तक। इस वक्त इसका एक पीएम हुआ करता था जिसका नाम प्रधानमंत्री बलवन था, बहुत ही मजबूत शासक था बलवन, बलवन हुआ करता था। प्यारे भाई बलवन ने क्या किया कि कुछ दिन के बाद अपनी बेटी, इसने अपनी बेटी का शादी करा दिया, इससे बेटी का शादी करा दिया है ना। और बेटी का शादी कराने के बाद आफ्टर, पहले बेटी का शादी कराया और बाद में बलवन ने इसको मार दिया, और मारकर सत्ता पर मार दिया, क्योंकि बकलोल टाइप का आदमी था, और मारकर सत्ता पे कौन बैठ गया, प्यारे भाई बलवन। और यहीं से शुरू होगा बलवनी वंश। तो यहां तक फटाफट कंप्लीट करिए और आगे है ना, आगे आगे हम लोग बढ़ते हैं, जल्दी से इसको कंप्लीट करिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर है या नहीं है जल्दी बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं, 20 मिनट और क्लास लेंगे। अच्छा अच्छा साउंड साउंड आने लग गया, ध्यान रखे ध्यान, आ गया आ गया साउंड, आ गया साउंड, मैंने आ गया। तो बेसिकली प्रधानमंत्री का दैट मीन्स नाइब ममलिकात, प्रधानमंत्री का मतलब जानते हैं क्या था, पीएम दैट मीन्स क्या होता है कि हु विल मैनेज द टोटली एडमिनिस्ट्रेशन। अब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वाली कहानी हो गई, राजा एज ए राष्ट्रपति काम कर रहा है ना, और प्रधानमंत्री राजा राष्ट्रपति एज ए काम कर रहा है, और प्रधानमंत्री उसका कौन है बलवन, प्रधानमंत्री सब कुछ देख रहा है। तो राजा को पता ही नहीं, राष्ट्रपति को कहां देश के बारे में इतना जानकारी होता है कि कहां क्या हो रहा है ना। हाँ विरोध, सरिता सिंह एग्जैक्टली, विरोध किया था अल्तुनिया ने, अल्तुनिया और उसकी लड़ाई हुई थी सरिता जी, एग्जैक्टली क्या हुआ बताइए ना अल्तुनिया जी। सरिता जी रिसर्च नहीं करना है, क्योंकि जानती हैं बहन अभी आपको एग्जाम निकालना है, बहुत रिसर्च नहीं करिए। हम यही क्लास में नॉर्मली फाउंडेशन क्लास में पढ़ाते हैं, तो हमको पढ़ाते हुए 3-3 घंटा, हम 6-6 घंटा पढ़ाते लग जाते हैं है ना। हाँ हाँ आ जाएगा एकदम मोनू जी, आ जाएगा लास्ट पेज आ जाएगा, वेट ओपन हो रहा है, लास्ट पेज आ जाएगा। लास्ट पे जा जाएगा, चिंता नहीं करिए, ध्यान रखिएगा स्पीड। अरे क्या देखिए, हमारा कंप्यूटर सडनली बंद, कंप्यूटर कह रहा है हमारा बोर्ड सडनली, सर अच्छा सरिता जी ठीक है। सर गुड्डू कह रहे हैं कि सर माई जॉब क्लास ज्वाइन, जब क्लास ज्वाइन करता हूँ मेरा नंबर इधर से। अरे गुड्डू जी वो इशू है, वो एप्लीकेशन का मामला है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ प्यारे भाई, ठीक है ना, पता से नहीं। चलिए आइए आगे देखिए, अभी हम देखते हैं। करा देते हैं, रुक जाइए, आ जाएगा वो लास्ट पेज आ जाएगा, शायद आ जाएगा, उम्मीद है आ जाएगा। हाँ आ गया है, चलिए आ गया, चलिए संजोग से आ गया, ये तो कट जाता है वैसे तो। ये वाला था ना, ध्यान रखिए ये वाला था, इसके बाद हम लोग तुरंत बलवन को पढ़ेंगे, बलवन तो हम पढ़ ही लेंगे आज, हर हाल में बलवन पढ़ लेंगे है ना, खिलजी तुगलक कल पढ़ लेंगे, लेकिन बलवन तो आज पढ़ ही लेंगे। कल थोड़ा सा क्लास लंबा होगा, तो सभी लोग थोड़ा प्रिपेयर होकर आइएगा, कल मेरा क्लास लंबा चलेगा, 2 घंटा तक मिनिमम चलेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम टारगेट को पूरा करना चाहते हैं, हम नहीं चल ये करना चाहते हैं। कुछ लोग थोड़े देर में 1.5 घंटे में उब जाते हैं, यार ऑफिसर बनना है भाई, पढ़ना पड़ेगा, क्यों, क्लियर। चलिए लिख लीजिए जल्दी, जो लोग नहीं लिखे हम लोग आगे बढ़ेंगे।
सर ऐसे समझा दीजिए, मोनू जी कह रहे हैं कल का 12 बजे ही होगा, आज तो गलती से हुआ था ना, आज तो एप्लीकेशन नहीं वर्किंग कर रहा था, 12 बजे ही होगा एट एनी कंडीशन। सर आपकी क्लास करने पे टाइम का पता नहीं चलता, चला पूजा जी करें, चलिए थैंक यू। हाँ जी, मेरे क्लास करने में किसी को टाइम का पता नहीं चला, सही बताइए ईमानदारी से, बोलिए। सही में, चलिए अच्छा लगता है, यही फीडबैक्स तो है। सबका हो गया क्लियर सर? 12 12 30, हाँ ठीक है सभा जी, सर सही बात है, आराधना करें नहीं, अच्छा नहीं बात है। ओ चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, एक जरूरी कॉल था तो सॉरी फॉर दैट, कॉल को रिसीव करना पड़ा। रवीश चौधरी कह रहे हैं सर जी हम सब नहीं उब रहे हैं, लगता है कि आप ही उब जाते हैं। नहीं, हम नहीं उबते प्यारे भाई, हम तो उबते ही नहीं, तुम हम हमें आदत है 13 घंटा लगातार पढ़ाने का, हम नहीं उबते हैं। हम सुबह से, आपको बता दें दिल्ली की जब बैचेस थी बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हो गए थे, तो हाँ ना लाजवाब पढ़ाते हैं हम, की पढ़े ही नहीं मेडाइवल क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा। अच्छा राज करें, मेरे पास टाइम हो तो 12 घंटा पढ़ने वाला 1 घंटा में ही उब जाएगा तो क्या एग्जाम निकालेगा। वाह अनिश जी वाह, चलिए आइए देखते हैं। तो ये नासिरुद्दीन तक क्लियर हो गया, बलवन 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 से शुरू होता है भाई, एक बलवनी वंश, इसके बाद आ जाएगा बलवनी वंश। अब आ जाओ हम लोग सीधे चलते हैं बलवनी वंश, लेकिन बलवनी वंश से पहले एक कहानी जहां से बार बार प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखना कि अब गुलाम वंश में 3 वंश हैं। कुतुबी वंश हमने क्लियर कर लिया ना जी, कुतुबी वंश में कोई डाउट है एक बार फटाफट बताते चलना। कुतुबी, हैव यू एनी डाउट इन दिस वंश? नो। शमसी वंश, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान तक खत्म हो गया रात में रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बाद, उसके बाद होगा स्टार्ट बलवनी वंश। इस बलवनी वंश को आज खत्म कर लेंगे हम लोग हर हाल में, बलवनी वंश है ना। बलवन, इसका संस्थापक कौन है? बलवन है। संस्थापक कौन है प्यारे भाई? बलवन है। और बल ग्यासुद्दीन बलवन इसका नाम है, ग्यासुद्दीन बलवन इसका नाम है। और ये बलवन बड़ा खतरनाक व्यक्ति होगा मेरे भाई, ये बलवन बड़ा खतरनाक व्यक्ति होगा। 1265 से लेकर 1320 तक यह सत्ता पर बैठेगा। साक्षी दुबे कह रहे हैं सर सारे क्लास बहुत अच्छा है, सर अगर पीटी हो गया तो मेंस के लिए खूब मेहनत करूंगे क्योंकि पहली बार ऑनलाइन क्लास बहुत पे बहुत ट्रस्ट है साक्षी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप लोगों को। और एक्चुअली कि इन दिस डेज राहुल सर या हम लोग जो भी है कि जो इसको स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग इतना पढ़ा रहे हैं, तो बस ये है कि ना तो हम लोग फाइनेंशियली पैसा के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना, पैसा के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। हम लोग पढ़ाते हैं किसके लिए? तो फिर हमारा आदत है, हम मतलब आदत नहीं कह रहे हैं, वो है क्या, पैसा नहीं इसलिए पढ़ा रहे हैं। तो चलिए ग्यासुद्दीन बलवन, अब ग्यासुद्दीन बलवन की कहानी शुरू करते हैं 1265 से 1320 तक। तो आ जाइए ग्यासुद्दीन बलवन, बलवनी वंश डाल लीजिए, ये क्या आ गया, चलिए बलवनी वंश, बलवनी वंश शुरू करते हैं। बलवनी वंश, इसकी कहानी आप सुनेंगे ना बहुत इंस्पिरेशनल है, 1265 से लेकर ये चलेगा 1320 तक। चलिए बलवन, इसका संस्थापक कौन है? बलवन, ठीक है ना, इसके ग्यासुद्दीन बलवन इसका पूरा नाम है जो मैंने पहले बता दिया, यहां तक लिखिए और तुरंत नया पेज स्टार्ट करिए, बलवनी वंश से नया पेज स्टार्ट करिए। फिर इसकी कहानी बताते हैं।
सब लोग तैयार हो गए फटाफट, सब लोग मेंटली प्रिपेयर, पानी वानी बगल में रखे हो भैया, पानी पी लो और तैयार हो जाओ। सर कहीं पे 1266, नहीं, 1265 एग्जैक्टली। आप क्यों कहीं कहीं के बात गौरव भाई देख रहे हैं, हम जो बता रहे हैं उस पर ध्यान रखिए ना, आप उस पर ध्यान रखिए ना, बस क्लियर हो गया, बढ़ा जाए आगे। चलिए अच्छा, रात को 7:30 बजे आप लोग आते नहीं है क्या? 7:30 बजे आप लोग एमसीक्यू वाले सेशन में आया करिए, उसमें हम मिक्स रखते हैं पूरा मिडाइवल मॉडर्न बिहार स्पेशल, तो लगभग उसमें मजेदार होता है, बढ़िया सेशन होता है वो। रात को 7:30 बजे आया करिए सभी लोग यूट्यूब पे। चलिए बताइए जी सर। चलिए, संस्थापक था बलवन। प्यारे भाई बलवन ने क्या किया कि ये जो भारत था और इस भारत के, ठीक है ना, ये भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में, रुको है ना, यहाँ पे चालीसा बनाया था ना, चालीसा, तो सबसे पहले चालीसा को इसने बंद किया, चालीसा को सबसे पहले बंद किया, ठीक है बलवन। प्यारे भाई चालीसा को बंद कराया, उसके बाद इसने अपने तरीके से हर विभाग को बनाया, इसने अपना सेना विभाग अलग बनाया, इसने अपना गुप्तचर विभाग, गुप्त है ना, वरीद मामूलिक करके गुप्तचर सीबीआई डिपार्टमेंट अलग बनाया है ना, ध्यान रखिएगा गुप्तचर विभाग अलग बनाए, इसने हर डिपार्टमेंट को बहुत ही मजबूत शासक। इसकी चर्चा प्यारे भाई ऐसी है कि ये 60-65 वर्ष की उम्र में डेली दिल्ली से रेवाड़ी तक 80 किलोमीटर तक अपनी सेनाओं के साथ चलता था एक्सरसाइज के लिए। समझ रहे हैं, जिस उम्र में लोग मरने की प्रयास प्रयास करते हैं उस उम्र में हमने जीने की दुआ की है। तो बलवन से सीखना, उम्र की तराजू पे तोलने वाले जमाने के उन लोगों से कहना कि यदि बलवन जैसा शासक ऐसा कर सकता था तो हम तो बहुत अच्छे हैं यार, सबसे ज्यादा उम्र का था, हम तो बहुत ठीक हैं प्यारे भाई। तो इसने क्या क्या किया था ध्यान रखिएगा, 65 से 87 तक ये सत्ता पर बैठा और इसके बीच में इसने बहुत सारे काम किए है ना, इसके बीच में इसने बहुत सारे काम किए। अब थोड़ा सा आपको गौर से हमारे पूरे स्टोरी को सुनिएगा, उसके बाद सारा चीज लाइन से लिखवा देंगे। इसको कई तरीके से जाना जाता है, इसको आप जानते हैं रक्त और लौह की नीति से भी, पहले बता देते हैं फिर, इसको रक्त और लौह की नीति से भी जाना जाता है। इसके बगल में दो लोग छुरे को तलवार को पिजाते हुए चलते थे और कहता था कि जो व्यक्ति हमारी बातों को नहीं मानेगा उसको इस धरा पे, इस जमीन पे जीने का कोई अधिकार नहीं है। कौन कहता था? बलवन कहता था। इसको रक्त और लौह की नीति अपनाने वाले कहते हैं बलवन को। प्यारे भाई दो लोग तलवार पिजाते हुए चलते थे, इसको कहता था सिजदा और पैबोस, जो हमारे सामने सिजदा और पैबोस नहीं करेगा उसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे सामने, उसको इस धरा पे रहने की कोई मतलब ये नहीं है, हक नहीं है। कहता था ऊपर वाले के बाद कोई है तो वो मैं हूं, उसके अलावा कोई नहीं है, इसलिए मेरे सामने यदि आओ तो इस्लाम में खुदा के आगे सर झुकाने के अलावा किसी और के सामने सर झुकाने का प्रोविजन नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे आपको सर झुकाने की बात कही जाती है। और कहा जाता है प्यारे भाई, प्यारे दोस्त, प्यारे यार, कि जो इसके सामने पड़ता था सिजदा, यानी सिजदा मतलब झुक जाना, पैबोस मतलब इसके पैरों को चूम लेना, जो लोग सिजदा और पैबोस नहीं करते थे उनका गला उतार देता था और कहता था इस सर को उठने का कोई अधिकार नहीं है, खत्म कर दो। कहता था मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह के बाद इस धरा पे कोई सबसे बड़ा है तो वो मैं हूं जिसका नाम बलवन है। बलवन अपने आप को अफरासियाब के वंश का कहता था। फारस का त्योहार फारस का त्योहार नरोज शुरू करने वाला कौन था? बलवन था। अफरासियाब के वंश का मतलब होता है कि जैसे ही हम लोगों के पास गीता है ना, गीता है, महाभारत में अर्जुन है, उसी तरह अफरासियाब को अर्जुन के बराबरी का माना जाता है फारस में। तो वो कहता था मैं अफरासियाब के वंश का हूं, यानी हर बात में बार बार कहता था कि मैं सबसे ऊंचे कुल से आता हूं, ध्यान रखना। एक बार की बात है कि बंगाल में इसके समय में एक विद्रोह हुआ था है ना, और बेसिकली ना दिल्ली में बैठने वाला शासक, जो दिल्ली में जब भी कोई सत्ता बदलता है तो बंगाल, ये बहुत दूर पड़ता है तो बंगाल में क्या हो जाता है, विद्रोह हमेशा होता है। आज के डेट में भी देखिएगा दिल्ली में बीजेपी है लेकिन बंगाल में बीजेपी अपनी सत्ता को नहीं है, क्या जी? अभी क्लास में कम से कम 10-15 मिनट लूंगा, उनको रोकिए, 10-15 मिनट तक रोक लीजिए, क्लास के बाद साफ कर देंगे, 10-15 मिनट तक रुक जाएंगे। तो प्यारे भाई
ये बंगाल में हमेशा देख लीजिए, दिल्ली में बीजेपी है, बंगाल में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दूरी डिस्टेंस बहुत अधिक पड़ता है। तो एक बार ना बलवंत दिल्ली की सत्ता पर बैठा था और बंगाल में विद्रोह हो गया, तो प्यारे भाई ये बलवंत बंगाल गया विद्रोह को दबाने, और कहा जाता है कि लोग विद्रोह को इस तरीके से दबा रहा था कि क्या कह सकते हैं आप, लोगों को उठाता था, गले को काट देता था और अपने सामने पड़ने वाले हर वृक्ष को टांग देता था और कहता था बलवंत के खिलाफ कोई विद्रोह करेगा तो उसका यही हाल होगा, ध्यान रहे, है ना, तुगरिल खां का विद्रोह, बिल्कुल तुगरिल खां का विद्रोह सब लिखवाएंगे, तुगरिल खां का विद्रोह, तो ध्यान रखना बलवन के सामने ऐसे विद्रोहियों का कोई हक नहीं है कि जो बलवन के सामने जिए। तो वृक्षों पे काटता हुआ लगभग 10,000 लोगों के सरों को वृक्षों के ऊपर टांग दिया था, इसलिए कहा जाता है कि बलवन बड़ा ही क्रूर था, बलवन बड़ा ही क्या था प्यारे भाई, बलवन बड़ा ही मतलब हिम्मती था और मानव तो नहीं था ऐसा लगता है उसके हरकतों से। उसके दो बेटे थे, एक बेटा का नाम था बुगरा खान और दूसरे बेटा का नाम शहजादा मोहम्मद। इन दोनों बेटों के बारे में थोड़ा सा बता दूं ताकि दिक्कत रहेगा, इसके दो दिक्कत ना होगा। इसके दो बेटे थे, कौन था, एक था बुगरा खान और दूसरा था प्यारे भाई शहजादा मोहम्मद, शाहजादा मोहम्मद, शाहजादा मोहम्मद, ये दो बेटे थे प्यारे भाई। इस बलवन के बारे में, शाहजादा खां और बुगरा मोहम्मद के बारे में, सबसे प्यारा बेटा ये था, तो इसने ना भारत के ऊपर उस वक्त बार बार अटैक हुआ करते थे, भारत के ऊपर उस वक्त बार बार अटैक हुआ करते थे। इसने भारत को दो हिस्से में बांटा था, इस वाले क्षेत्र को दे दिया था शाहजादा मोहम्मद को, किसको, शाहजादा मोहम्मद को, है ना, और मोहम्मद को, और इस वाले क्षेत्र को किसको दे दिया था प्यारे भाई, तो इस वाले क्षेत्र को दे दिया था किसको, तो याद कर लेना, इस वाले क्षेत्र को दे दिया था किसको दिया था, तो इस वाले क्षेत्र को दिया था अपने दूसरे बेटे बुगरा खान को, बुगरा खान, बुगरा खान डरपोक व्यक्ति था इसलिए इसको यहाँ बैठा दिया था बुगरा खान को। लेकिन बुगरा खान, शाहजादा मोहम्मद कहा जाता है कि मतलब चंगेज खां के अटैक और मंगोलियों के आक्रमण में मारा गया, सबसे ज्यादा मानता था शाहजादा मोहम्मद को, बलवन जैसा हिम्मती आदमी शाहजादा खां के मारे जाने के बाद इतना रोआ था, इतना रोया था अपने दरवाजे को बंद करके कि उसके आंखों के आंसू दरवाजों से बाहर आने लग गए थे। ये कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि इतना कड़े व्यक्ति को इतना मुलायम होते हुए मैंने तब देखा जब इसका सबसे प्यारा बेटा शहजादा मोहम्मद की मृत्यु हुई थी, जब इसका सबसे प्यारा बेटा शहजादा मोहम्मद की मृत्यु हुई थी। प्यारे भाई मन तो था कि इस सेक्शन को कंप्लीट कर दें, लेकिन क्लास को हम यही रोक रहे हैं, कल थोड़ा लंबा क्लास चलाएंगे और जो भी आपके लैक हो रहा है जैसे टॉपिक वाइज, क्या क्या टॉपिक था, हम आज आपको खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, विजयनगर साम्राज्य सब कंप्लीट कराना था, हम नहीं करा पाए हैं, कल दिल्ली सल्तनत में प्रशासन दिल्ली और सल्तनत विविध कराना है, तो कल मैं 2 घंटा क्लास लेके जितने आपके लैक हैं उन सबको पूरा करा दूंगा, है ना, वो सारे लैक को पूरा करा दूंगा, ध्यान रखिएगा, मैं वही शेड्यूल को देख रहा हूँ, ठीक है ना। होमवर्क के तौर पर मैं आपको बताता हूँ क्या रहेगा होमवर्क, प्यारे भाई सभी लोग होमवर्क लिख लीजिएगा, होमवर्क आपको बता दे, होमवर्क घटना चक्र को पूरा गुलाम वंश कंप्लीट कर लिए हैं, तो घटना चक्र गुलाम वंश एक बार दोबारा रिवीजन कर लीजिएगा, गुलाम वंश का सारा, है ना, गुलाम वंश, अब गुलाम वंश के साथ साथ आज खिलजी भी कर लीजिएगा, खिलजी कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, खिलजी का सारा क्वेश्चन कर लीजिएगा, तुगलक का सारा क्वेश्चन कर लीजिएगा, सारा तुगलक का और खिलजी का, इन दोनों का क्वेश्चन कर लीजिएगा, इन्हीं से क्वेश्चन आता है, और इसके अलावा हम आपको 10 क्वेश्चन तुरंत भेज देंगे, 10 क्वेश्चन हम तुरंत अभी भेज दे रहे हैं, जैसे ही क्लास खत्म होगा 10 क्वेश्चन चला जाएगा आपके ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, उसको आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा, जैसे आज आप लोगों ने किया है उसको सॉल्व कर लीजिएगा। उसके अलावा ये दोनों चीज हो गए, उसके अलावा तीसरा जो मैंने पढ़ाया है उसका प्रॉपर नोट्स, एकदम शॉर्ट नोट्स, इसका शॉर्ट नोट्स आपका तैयार हो जाना चाहिए, मैं शॉर्ट नोट्स कभी भी मांगने के लिए आप लोगों से चेक कर सकता हूँ। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है कि यदि मैंने 10 पन्ने में पढ़ाया है तो 2 पन्ने में आपका पूरा शॉर्ट नोट क्लियर हो जाना चाहिए, है ना। हाँ राहुल सर संडे को मीटिंग करेंगे, हो सकता है कि आज रात को भी आए आप लोगों के साथ, राहुल सर आज रात को भी आए, ध्यान रखिएगा, राहुल सर कभी भी आप लोगों से आपके होमवर्क को चेकअप कर सकते हैं, तैयार रहिएगा, है ना। कल भी सर बोल रहे थे कब चेकअप कर लेंगे पता नहीं हो जाएगा, सर ये थोड़ा ज्यादा ना हो गया सर, आंसू कहीं इतना बढ़ता है, गौरव जी हाँ 2 दिनों तक रोता रह गया था, बहुत ही क्रूर शासक था, आंसू बहने का ये भाव लेखक कहते हैं, गौरव जी भाव लेखक कहते हैं। हाँ आती जी वो सर बता देंगे कहाँ आएंगे, ऐप पर ही आएंगे, वैसे ऐप पर ही लाइव आएंगे आप लोगों के साथ, तो ऐप पर ही इंटरेक्शन करेंगे, ठीक है। और किसी तरह का कुछ क्वेश्चन समझने में और स्पीड को लेकर इश्यू हो तो आप अपने कंसर्न, आप अपने किसी भी क्वेश्चन को हमारे सामने बता सकते हैं, हम उसके लिए हमेशा खड़े हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी है, जो भी प्रॉब्लम होगा शेयर करिए, हम उसका जवाब दे ही देते हैं। बताइए किसी तरह का कोई इशू, जो लोग बाद में देखेंगे वो लोग भी होमवर्क को जरूर फॉलो करिएगा और अपने होमवर्क का रिपोर्ट ग्रुप में बताते रहिएगा कि हाँ आप लोगों ने होमवर्क कंप्लीट किया या नहीं किया, राहुल सर उसको खुद देखते रहते हैं।
शाम को शायद सर इंग्लिश में क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं क्या? हाँ राहुल जी, इंग्लिश में भी हो जाएगा। और सेशन कैसा लगा, मतलब क्लास कैसा लगा आप लोग, अपना क्लास के रिगार्डिंग अपने अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। 1:07:30 पर रात को मैं लाइव आता हूँ, तो जरूर आ जाइएगा, उस वक्त बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराता हूँ, ठीक है? चलिए आपके चलिए हो गया। बहुत अच्छा रहा सर, 10 पेज को 2 पेज में कैसे करेंगे वो कर, आप शॉर्ट में जितना याद है उसको मत लिखिए, जो नहीं याद हो रहा उसको लिखिए, ये आपका काम होता है। हाँ ठीक है, मिलते हैं फिर कल। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब मन लाकर पढ़ते रहिए।